Audio perfectly synchronized by BK Omen 1988. क्या तुम जानती हो चाइना में जीनियस आईक्यू वाले लोगों की तादाद यूनाइटेड स्टेट्स के पॉपुलेशन से ज्यादा है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सच है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। खैर, मेरा सवाल ये है कि अगर तुम एसएटीज में 1600 लाने वाले में से एक हो तो तुम अलग कैसे नजर आ सकते हो? चाइना में एसएटीज लेते हैं? नहीं लेते। मैं चाइना की बात नहीं कर रहा था, मैं अपनी बात कर रहा था। तुम्हें 1600 में? हाँ, मैं कैपेला ग्रुप में गाना गा सकता हूँ। लेकिन मुझे गाना, तुम्हें कोई खामी नहीं है। मैं रोइंग कर सकता हूँ, $25 का कंप्यूटर बना सकता हूँ, या फाइनल क्लब में दाखिल हो सकते हो। या फाइनल क्लब में दाखिल हो सकता हूँ। मेरी मानो तो वही बेहतर है, क्योंकि मैं तुम्हें कैपेला ग्रुप में नहीं देख सकती। मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे रोइंग करने वाले लड़के अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैं वो नहीं कर सकता। मैं मजाक कर रही हूँ। हाँ, और टेस्ट में मुझे फुल मार्क्स मिले। क्या तुमने कभी कोशिश की? कोशिश कर रहा हूँ रोइंग करने की, नहीं फाइनल क्लब में दाखिल होने की। तुम सुन भी रही हो क्या? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम दो चीजें एक साथ बोलते हो, समझ नहीं आता तुम किस सब्जेक्ट पर बात कर रहे हो। लेकिन तुम रो क्रू में किसी लड़के से मिली हो ना? नहीं। वो मुझसे लंबे होते हैं, वर्ल्ड क्लास एथलीट्स होते हैं, और अभी तुमने कहा तुम्हें रोइंग करने वाले लड़के पसंद हैं, इसलिए ऐसा। मैं तो सिर्फ अपनी पसंद बता रही थी, जैसे कुछ लड़कियों को कॉबॉयज पसंद है। ओके, कुछ खाने को ऑर्डर करें? क्या हम किसी और चीज पर बात कर सकते हैं? नहीं, फाइनल क्लब के बारे में कितनी बात करोगे? बोले ही जा रहे हो कि वाकई चाइना में जीनियस आईक्यू वाले लोगों की तादाद यूनाइटेड स्टेट्स के मुकाबले ज्यादा है? सबसे डाइवर्स है। फ्लाई क्लब, रूजवेल्ट को पॉर्क का इनविटेशन मिला। कौन सा? पोर्सेलिन द पॉर्क, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। कौन सा? रूजवेल्ट। थियोडोर। वाकई वो लोग बस भेजते हैं उन लड़कियों के लिए जो अगले फेड चेयरमैन के साथ पार्टी करना चाहती हैं? अब समझे वहाँ जाना इतना जरूरी क्यों है। अच्छा, तो सबसे आसान कौन सा है? ऐसा क्यों पूछ रही हो तुम? क्यों, क्या हुआ? कोई आसान नहीं है, यही तो बात है। मेरे फ्रेंड एडवार्डो ने समर्स में ऑयल मार्केट में $300,000 कमाए, इसके बावजूद उसे यहाँ एंट्री नहीं मिली। मतलब पैसे कमाना यहाँ कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती। ये तो बड़ी बात है, उसने इतने कम समय में $300,000 कमाया। उसे मीटियोरोलॉजी पसंद है। तुमने कहा ऑयल की बिजनेस। अगर तुम वेदर समझते हो तो तुम ऑयल की रेट फोरकास्ट कर सकते हो। मुझे लगता है तुमने मुझे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि तुम्हें लगता है फाइनल क्लब आसान है, और इसलिए मैं इसमें जाना चाहता हूँ। मैं क्या? तुमने मुझसे पूछा सबसे आसान कौन सा है क्योंकि तुम्हें लगता है सबसे आसान वाले में ही मैं जा सकता हूँ। सबसे आसान वो होता है जहाँ सबके जाने के चांसेस अच्छे होते तुमने हैं। ये नहीं पूछा कि सबसे अच्छा कौन सा है, तुमने पूछा सबसे आसान वाला कौन सा है। मैं सिर्फ पूछ रही थी, इसके पीछे मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। माँ, मैं कोर्ट में बात नहीं कर रही। तुम फाइनल्स क्लब्स को लेकर ऑब्सेस्ड हो, तुम उसके बारे में सोचकर पागल हो रहे हो, और तुम्हें अपने दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा। तो डॉक्टर के पास जाओ और अपना इलाज करो। फाइनल क्लब, फाइनल्स क्लब्स नहीं है वो, और ऑब्सेस्ड होना और मोटिवेटेड होने में डिफरेंस है। अच्छा, जानती हूँ। देखो कैसी बात कर रही हो तुम, यानी तुम कोच में बात करती हो। मैं कोच में नहीं बात, मैं बस यही कह रहा था कि मुझे कुछ अलग करना होगा जिससे क्लब वालों की नजर मुझ पर पड़े। यू नो क्यों? क्योंकि वो एक्सक्लूसिव हैं, मजेदार हैं, और उससे लाइफ बन जाती है। टेडी रूजवेल्ट को प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया क्योंकि वो फीनिक्स क्लब का, वो पोर्सेलिन का मेंबर था, और हाँ यही वजह है। मुझे लगता है तुम्हें वो करना चाहिए जिसमें तुम सबसे माहिर हो। तो मैं दूसरों की नकल करता हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? मैं कह रही हूँ कोशिश करते रहो, सब अच्छा। मैं सीधे सीधे कहता हूँ, मुझे लगता है तुम्हें मेरे साथ थोड़ा और सपोर्टिव बिहेव करना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे एंट्री मिली तो मैं तुम्हें उन इवेंट्स, गैदरिंग्स और ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिनसे तुम आमतौर पर कभी नहीं मिल पाओगी। ये तुम मेरे लिए करोगे? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ओके, मैं भी सीधे सीधे कुछ कहना चाहती हूँ, आज से हम साथ नहीं हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे बीच कुछ नहीं रहा, आई एम सॉरी। तुम मजाक कर रही हो? नहीं, मजाक नहीं है। तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? तुम मुझे ऐसे लोगों से मिलाओगे जिनसे मैं तुम्हारे बिना नहीं मिल पाऊंगी। वो तो क्या मतलब है तुम्हारा? देखो आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? हमें यहाँ एंट्री सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि तुम उस बाउंसर के साथ भी सो चुकी हो। उस बाउंसर का नाम बॉबी है, मैं उसके साथ नहीं सोई, वो मेरा दोस्त है और वो एक अच्छा इंसान है, और वो ऐसा वैसा लड़का नहीं है। तुम होते कौन हो मुझसे ऐसी बात करने वाले? मैं जा रही हूँ। रुको, अब मैं नहीं रुको, रुको। तुम्हें बुरा लगा? हाँ। ओके, मैं माफी चाहता हूँ। मुझे जाकर पढ़ाई करनी है। एरिका, हाँ। I'm sorry, I mean it. मैंने तुम्हें माफ किया, अब मुझे पढ़ाई करनी है। तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी, बातें करनी है। चलो बातें करते हैं। नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ बातें नहीं होती, सिर्फ बहस होती है। माँ, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हारे अपीयरेंस पर कमेंट नहीं कर रहा था, बस ये कह रहा था कि तुम बॉस्टन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो, और अगर तुम्हें ये बात रूड लगती है तो मैं रूड हूँ। मुझे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई नहीं करनी। तुम बार बार ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम बॉस्टन यूनिवर्सिटी में हो। खाने को कुछ ऑर्डर करें।
आई एम सॉरी, तुम मेरे एजुकेशन को लेकर इम्प्रेस नहीं हुए। माफ करना, मैं रोइंग नहीं करता, तो हिसाब बराबर। मुझे लगता है हमें सिर्फ फ्रेंड्स रहना चाहिए। मुझे फ्रेंडशिप नहीं चाहिए। मुझे कोई शौक नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारा दिल रख रही थी। मैं अपने ओएस क्लास को लेकर थोड़ा प्रेशर में हूँ, इसलिए अगर तुम खाना ऑर्डर करोगे तो मुझे। सुनो, तुम एक दिन बहुत ही सक्सेसफुल कंप्यूटर पर्सन बनोगे। जिंदगी भर इस सोच के साथ जियोगे कि लड़कियां तुम्हें पसंद नहीं करती क्योंकि तुम पढ़ाकू हो। मगर मैं दिल से कह रही हूँ कि ये सच्चाई नहीं है। तुम जिंदगी भर अकेले रहोगे क्योंकि तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो। ऑलब्राइट धोखेबाज है क्या? इसलिए क्योंकि उसके परिवार वालों ने उसका नाम ऑलब्राइट रखा था, या इसलिए कि बोस्टन यूनिवर्सिटी की सभी लड़कियां ऐसी होती हैं? एक और बात, शायद दिखने में वो 34C लगे, लेकिन वो सब तरह की चीजों का इस्तेमाल करती है। वो असल में 34B है, और सब सिर्फ दिखावा है। एक और बड़ा झूठ। सच्चाई ये है कि उसका चेहरा बहुत सुंदर है। मुझे उस पर से अपना मन हटाने के लिए कुछ करना होगा। ये आसान होगा, लेकिन मुझे एक आइडिया चाहिए। मुझे थोड़ी चढ़ गई है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो क्या हुआ अगर आज ट्यूसडे है और अभी 10 भी नहीं बजे हैं? Hey Billy, Kirkland फेसबुक मेरे डेस्कटॉप पर खुला है और कुछ लोगों के फोटोज तो एकदम डरावने और भद्दे हैं। ओह नो। बिली ऑल्सन जो अभी यहाँ बैठा है, उसने आइडिया दिया कि मुझे इनके पिक्चर्स लेकर जानवरों के साथ कंपेयर करने चाहिए और लोग वोट करेंगे। अच्छा आइडिया है मिस्टर ऑल्सन। हाँ, मैं यही करूंगा। मैं जानवरों की पिक्चर्स नहीं लूंगा, लेकिन दो लोगों को कंपेयर करने का आइडिया बहुत अच्छा है। ये आइडिया मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ हम सीधे कंपेयर करने वाले हैं, ना कि रेटिंग्स देने वाले हैं जैसे hotornot.com पर देते हैं। सबसे पहले तो हमें बहुत से पिक्चर्स की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली हार्वर्ड में पब्लिक सेंट्रलाइज्ड फेसबुक नहीं है, इसलिए मुझे ये पिक्चर्स सबके हॉस्टल की डायरेक्टरी से निकालने होंगे।
दोस्त जल्दी करो, चलो हैकिंग शुरू करें। सबसे पहले कर्कलैंड, वो लोग सब कुछ ओपन रखते हैं और सारे इंडेक्सेस HTTP कॉन्फ़िगरेशन में रखते हैं। बस थोड़ा डुप्लीकेट मैजिक का कमाल और कर्कलैंड की पूरी डायरेक्टरी कॉपी हो जाएगी। बच्चों का खेल है। नेक्स्ट है एलियट हाउस, ये लोग भी सब कुछ ओपन रखते हैं लेकिन इनके इंडेक्सेस HTTP में नहीं होते। मैं बिना कुछ लिखे सर्च करूंगा तो सभी पिक्चर्स एक साथ आ जाएंगी। मैं इस पेज को सेव करूंगा तो मोज़िला मेरे लिए सभी इमेजेस सेव कर देगा। क्या कहते हो? एक्सलेंट, सही जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम सब सबसे पुराने और सबसे एक्सक्लूसिव क्लब में खड़े हो, ना सिर्फ फॉरवर्ड में बल्कि इस पूरी दुनिया में। और मैं तुम सभी का फीनिक्स क्लब के इस फॉल सेमेस्टर की पहली पार्टी में स्वागत करता हूँ। लोवेल में थोड़ी सिक्योरिटी है, वहाँ यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत है और मुझे नहीं लगता कि वो मेन FAS डेटाबेस से कनेक्टेड हैं, इसलिए वो मेरी चोरी पकड़ नहीं पाएंगे। एडम्स में सिक्योरिटी नहीं है लेकिन हर पेज पर सर्च लिमिट सिर्फ 20 तक सीमित है। यहाँ मुझे वही करना होगा जो मैंने लोवेल पर किया और काम बन जाएगा। क्विंसी का कोई ऑनलाइन डेटाबेस नहीं है, क्या घटिया सिस्टम है, तो कुछ नहीं कर सकते। डंस्टर उससे भी बढ़कर है, ऑनलाइन डायरेक्टरी तो क्या, उनके पास तो डायरेक्टरी ही नहीं है। सर्च करते समय अगर सर्च रिजल्ट 20 से ज्यादा रहा तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता, और अगर कभी रिजल्ट मिला भी तो डायरेक्ट फोटोज पर जाने का लिंक नहीं है, वो PHP पर ले जाते हैं जो रीडायरेक्ट करता है। बड़ी अजीब बात है, ये थोड़ा मुश्किल है। ए, शार्क पीक चल रहा। क्या? लगे रहो दोस्त, खूबसूरत शार्क है। थैंक्स, मैं बिजी हूं। लिटरेट फिर भी बेहतर है, यहां सर्च तो कर सकते हैं लेकिन बिना कुछ लिखे सर्च करने से लिंक्स मिलते हैं जहां हर एक स्टूडेंट की प्रोफाइल में जाकर पिक्चर्स मिल सकते हैं। दिक्कत ये है कि एक बार में सिर्फ एक ही प्रोफाइल देख सकते हैं और मेरे पास 500 पेजेस देखने का टाइम बिल्कुल नहीं है, इसलिए मुझे अपने हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करना होगा। ये लो पकड़ो। Hey, क्या हो रहा है? Perfect timing. Eduardo आया है और अब खेल का असली मजा आएगा। Hey Mark, कैसे हो? तुम्हारा और एरिका का ब्रेकऑफ हो गया? तुम्हें कैसे पता चला? तुमने अपने ब्लॉग पर लिखा? हाँ। Are you alright? तुम्हारी मदद चाहिए। बताओ क्या कर सकता हूँ? चेस प्लेयर्स को रैंक करने वाले तुम्हारे एल्गोरिदम चाहिए। तुम ठीक तो हो ना? हम लड़कियों को रैंक करेंगे, यानी सभी स्टूडेंट्स को। हाँ, तुम्हें लगता है ये अच्छा आइडिया? मुझे एल्गोरिदम चाहिए Mark, मुझे एल्गोरिदम चाहिए। अगर हर लड़की को बेस रेटिंग 1400 दी जाए और अगर गर्ल ए की रेटिंग आर ए और गर्ल बी की रेटिंग आर बी है, जब दो लड़कियों के बीच वोटिंग होगी तो उनकी करंट रेटिंग के ऊपर विनर तय होगा, राइट? तो कैलकुलेशन ऐसा होगा। ठीक है, लेफ्ट वाली अच्छी है, राइट? इस बार भी राइट। ये काम करता है। सबसे पहले किसे भेजे? नियॉल। किसे भेज रहे हो? बस एक दो लोगों को। सवाल ये है कि वो किसे भेजेंगे। माल देखो। लेफ्ट वाली चुनो, लेफ्ट वाली। हाँ हाँ, एक सेकंड। इन पटाखों को देखो, राइट और लेफ्ट? लेफ्ट वाली हॉट है भाई। ये हाँ, ये वाली। बोलो कौन सी वाली? ये तो मेरी रूममेट है। ओह माय गॉड, लेफ्ट वाली को देखो। ये सब क्या है? राइट, लेफ्ट वाली। ओह गॉड, उसने तुम्हारे बारे में लिखा है, तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए। ये देखो,
ओलाला एवेका, क्या ये तुम्हारा है? मुझे बड़ा मिला। चल निकल यहाँ से। यार बहुत सारे लोग साइट पर हैं। इससे पहले कि हम मुसीबत में फंसे हमें इसे बंद कर देना चाहिए ना। हेलो, एक मिनट। सुबह के 4 बजे? सर कर्कलैंड के लैंड में बहुत ही अनयूजुअल ट्रैफिक बने हैं। तुम कह रहे हो ये सुबह के 4 बजे हो रहा है? हाँ सर, और हार्वर्ड का नेटवर्क क्रैश हो सकता है। ठीक है, मुझे जाना होगा। क्या हो रहा है? हार्वर्ड का नेटवर्क क्रैश होने वाला है। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया? बिल्कुल। चलो जल्दी चेक कर लेते हैं। कनेक्ट नहीं हो रहा है, नेटवर्क डाउन है। अगर ये कोइंसिडेंस नहीं है तो ये हमारी वजह से हुआ है। ये कोइंसिडेंस नहीं है। शक्स। तो तुम्हें एड बोर्ड के सामने बुलाया गया था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड ने तुम्हें नहीं बुलाया था? नहीं, उससे पहले बार में एरिका ऑलब्राइट के साथ क्या उसने ये सब कहा कि मैंने उसे ऐसा सब कहा? बिल्कुल, उसने कसम खाकर ये सब कहा है। उसे कसम खिलवाने की क्या जरूरत थी? ये कानून के दायरे में उसने आता है। जो भी कहा और तुमने आंखें बंद करके मान भी लिया होगा तो भी मैं। अब एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक ले सकते हैं ना? लगभग 3 घंटे हो गए हैं और सच कहूं तो आप उस लड़की की टेस्टिमोनी से पहले ही जकरबर्ग की काफी बेइज्जती कर चुकी हैं। मुझे बुरा नहीं लगा लेकिन उसने सब झूठ कहा है। उसने कसम खाई थी। तो फिर शायद पहली बार कोई कसम खाकर झूठ बोल रहा है। साइट को 2 घंटे में 2200 हिट्स मिले? 1000? क्या? 22,000। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बहुत ही तेजी से आगे जा रहे हैं। ये लोग काफी तेज हैं। कोई तरीका है कंपटीशन फेयर बनाने का? पानी में कूद के स्विम कर लो, या शायद पानी में कूद कर डूब जाना चाहिए। या एक काम करो, तुम आगे चलाओ, मैं पीछे चलाता हूँ। हम दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं, हमारे हाथ साथ में ही चलेंगे। तो उन पे तरस खाना बंद करो ना। फिनिश लाइन के कुछ दूर पर हैं ट्विंकल बॉस ब्रदर्स। क्या तुमने सुना? क्या? 2 रात पहले एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट की वजह से हार्वर्ड का नेटवर्क क्रैश हो गया। वो? अच्छा। सुबह 4 बजे। वो कैसे? उसने एक वेबसाइट बनाई थी जिसमें कौन सी लड़की ज्यादा हॉट थी उस पर वोटिंग हो रही थी। हम कहाँ मर गए थे, कोई खबर नहीं हमें? पता नहीं, नाश्ते से पहले 3 घंटे लो रेट टेक्निकल ड्रो होता है, उसके बाद स्टडीज, उसके बाद 3 घंटे ट्रेनिंग और फिर से स्टडीज। शायद मिस कर दिया होगा। कितने हिट मिले इस वेबसाइट की वजह से? 22,000 पेज रिक्वेस्ट। 22,000? कैम, इस बंदे ने 7 हॉस्टल्स की डायरेक्टरीज को हैक किया। इसने ये सब एक रात में किया और ऊपर से ये नशे में भी था। 22,000? और कैसे पता वो नशे में? वो साथ में ब्लॉगिंग भी कर रहा था। जानते मैं क्या सोच रहा हूँ? हाँ हाँ जानता हूँ। ये लड़का काम का है। कैमरन विंकलवॉस, WINKLEVOSS, और कैमरन नॉर्मल है। टायलर विंकलवॉस, टायलर की स्पेलिंग भी नॉर्मल है और लास्ट नेम मेरे भाई जैसा ही है। मिस्टर ज़करबर्ग, ये एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड की हियरिंग है। तुम्हारे ऊपर इल्जाम है सिक्योरिटी तोड़ने, वायलेटिंग कॉपीराइट्स, इंडिविजुअल प्राइवेसी को ध्यान में ना रखने और वेबसाइट www.facemash.com बनाने का। तुम्हारे ऊपर यूनिवर्सिटी के डिजिटाइज मीडिया की पॉलिसी को तोड़ने का भी इल्जाम लगा है। इससे पहले हम सवाल पूछना शुरू करें, तुम्हें स्टेटमेंट रखने का मौका दिया जाता है। मैं, you know, मैंने पहले ही क्रिम्सन, ABHW, फर्जा लाटीना और हार्वर्ड की सभी लड़कियां जिन्हें मेरी करतूत बुरी लगी हो उनसे माफी मांग चुका हूं। और जहां तक बात सिक्योरिटी तोड़ने की है तो मुझे लगता है इस बोर्ड से मुझे थोड़ा रिकग्निशन मिलना चाहिए।
आई एम सॉरी. कोई बात नहीं. मैं समझी नहीं. क्या नहीं समझी? तुम्हें रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए. मैंने आपके सिक्योरिटी सिस्टम में खामियां ढूंढ निकाली इसलिए. एक्सक्यूज मी, क्या मैं? हाँ मिस्टर ज़करबर्ग, मैं हार्वर्ड नेटवर्क का सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ और मैं जानता हूँ कि हार्वर्ड की सिक्योरिटी टाइट है. इनफैक्ट इसी सिक्योरिटी की वजह से हमने तुम्हें 4 घंटे के अंदर ढूंढ लिया. 4 घंटे? जी सर. आपको लगता है मैंने छिपने की कोशिश की तो शायद आपकी नजर मेरे डॉर्म रूम की खिड़की पर नहीं पड़ी. क्या बात? मुझे 6 महीने की वार्निंग दी गई है. Well, उन्हें तुम्हारा एग्जाम्पल जो सेट करना था. उन्होंने मेरा ब्लॉग पढ़ा. मुझे जानवरों के बारे में नहीं लिखना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती हो गई. लेकिन मैं मजाक कर रहा था. क्या किसी को यहाँ मजाक समझ में नहीं आता? मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी. आई नो. तुम ये कमाल कैसे करते हो जिससे लड़कियां हमसे नफरत करने लगती हैं? मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता. तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. एडवर्डो, मैं जानता हूँ. तो चलो अब एक नया प्रॉब्लम देखते हैं. मान लो हमारे पास 16-बिट का वर्चुअल बीट है और पेज साइज है 250 bytes. सिस्टम 1 लेवल पेज टेबल का इस्तेमाल करता है जहां एड्रेस हेक्स 400 से शुरू होता है और शायद हमें इस 16-बिट सिस्टम पर डीएनए की जरूरत हो. पहले कुछ पेजेस हार्वर्ड फ्लैग्स के लिए रिजर्व हैं. अज्यूम करो पेज टेबल एंट्रीज में 8 status beats है. तो ये 8 status beats क्या होंगे? कोई ट्राई करेगा? लगता है इन्होंने हार मान ली. कोई बात नहीं ज़करबर्ग, क्लास में तुमसे भी होशियार लोग फेल हुए हैं. एक वैलिड बिट, एक मॉडिफाइड बिट, एक रेफरेंस बिट और 5 permission bits. ये जवाब सही है. कोई जानता है ये जवाब कैसे आया? मार्क, तुम मार्क ज़करबर्ग हो? हाँ. कैमरन विंकलबॉस. हाय. टायलर विंकलबॉस. तुम दोनों ट्विन्स हो? अच्छा मजाक. नया है ये? पहली बार सुना है. तुम्हारा मुझसे क्या काम है? अपनी गर्लफ्रेंड की इंसल्ट करनी है? हाँ करनी है. असल में पता नहीं, हमने कभी पूछा ही नहीं. पूछना चाहिए ना. सुनो, हम तुमसे एक आइडिया डिस्कस करना चाहते हैं. एक मिनट है. ऐसा लगता है तुम जिम में काफी समय बिताते हो. बिताना ही पड़ता है. क्यों? हम रोक रूम में हैं. हाँ मेरे पास 1 मिनट है. ग्रेट. तो क्या तुम कभी पोर्सिलियन के अंदर गए? नहीं. देखो हम तुम्हें बाइक रूम तक नहीं ले जा सकते क्योंकि तुम मेंबर नहीं. ये मैंने सुना है. तुम सैंडविच या कुछ खाओगे? ओके. मार्क राइट? या मार्क, ये है दिव्या नरेंद्र, हमारा पार्टनर. हाय. हम तुम्हारे फेस मैच से बहुत इंप्रेस हुए. जब तुम्हारे बारे में पढ़ा तो पता चला तुमने कोर्स मैच भी बनाया. कोर्स मैच क्या है? ऑनलाइन जाकर देख सकते हो तुम्हारे फ्रेंड्स कौन सा कोर्स ले रहा है. बहुत स्मार्ट आइडिया. मार्क. या हम कोर्स मैच के बारे में बात कर रहे हैं. हाँ वो कोई बड़ी बात नहीं है. तुमने जूनियर कॉलेज में भी कुछ इन्वेंट किया था. MP3 प्लेयर के लिए एक ऐप जो आपके फेवरेट म्यूजिक को रिकॉग्नाइज करता है. किसी ने खरीदना चाहा? माइक्रोसॉफ्ट. कितने में? बेचा नहीं, फ्री में अपलोड कर दिया. फ्री में? हाँ. क्यों? ठीक है मार्क, हमारे पास एक वेबसाइट का आइडिया है जो हमें लगता है कि एकदम कमाल का है. उसका नाम है हार्वर्ड कनेक्शन. यहाँ अपना खुद का पेज बना सकते हैं, इंटरेस्ट, बायो, फ्रेंड्स, पिक्चर्स, और फिर लोग ऑनलाइन जाकर बायो देख सकते हैं. आप हाँ, लेकिन ये माइस्पेस या फ्रेंडस्टर से अलग कैसे है? howard.edu. ये ईमेल आईडी पूरे देश का सबसे प्रेस्टीजियस ईमेल आईडी. इस वेबसाइट के पीछे आइडिया यही है कि लड़कियां, मतलब इस पे सिर्फ हार्वर्ड के स्टूडेंट्स, हार्वर्ड के लड़के लड़कियां मिल सकते हैं. दिव्या और मेरा भाई इसको लेकर काफी एक्साइटेड. हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो माइस्पेस, फ्रेंडस्टर और बाकी किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से अलग. ये एक्सक्लूसिव है. राइट राइट राइट. हमारे लिए काम करो मार्क. हमें एक ऐसा प्रोग्रामर चाहिए जो क्रिएटिव हो. और तुम्हारा हुनर तो हमने देख ही लिया. लड़कियों की गैंग तुम्हारे खिलाफ फतवा निकालने वाली है. लेकिन इससे तुम अपनी इमेज को सुधार सकते हो. वाह, तुम ये सब मेरे लिए करोगे? हम चाहते हैं तुम हमारे साथ काम करो. हमारा पहला प्रोग्रामर ग्रेजुएशन के बाद गूगल चला गया. हमारे दूसरे प्रोग्रामर के पास कॉलेज के काम से फुर्सत नहीं है. हम चाहते हैं कि तुम ये साइट बनाओ, उसके कोड्स लिखो और हम तुम्हें. मैं तैयार हूँ. क्या? मैं तैयार हूँ. Awesome. क्या तुमने ऐसा कहा था? ये 3-4 साल पहले की बात है, मुझे कुछ याद नहीं. तुम एडवर्डो के पास कब गए? मुझे सवाल समझ में नहीं आया. पिछली बार तुमने सही से जवाब कब दिया था? आपका मतलब क्या है? तुम एडवर्डो के पास फेसबुक की आइडिया लेकर कब गए थे? उस वक्त इसका नाम द फेसबुक था. तुम चाहो तो ये मसला आसानी से हल हो सकता है.
मेरे ऊपर दो अलग केसेस चल रहे हैं, ठीक है? क्या तुमने हाँ कहा जब टाइलर और कैमरॉन विंकलबॉस और दिव्या नरेंद्र ने तुमसे हार्वर्ड कनेक्शन बनाने को कहा? मुझे सिर्फ ये जानना है। मैंने कहा मैं मदद करूंगा। तुम मिस्टर सेवरिन के पास द फेसबुक की आइडिया लेकर कब गए थे? मैं उसके पास नहीं गया था। साय बोलो, जवाब दुमा। एक पार्टी में अल्फा एप्सिलॉन पाई की। वो क्या है? जूश लोगों का सेलिब्रेशन। वो करीबियन नाइट थी। वैसे मेरे जैसे लोग आमतौर पर एशियन लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, उल्टा वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होती है। मैं जूश लड़के और एशियन लड़की के बीच के एल्गोरिथम को डेवलप कर रहा हूँ, ये ना। मुझे नहीं लगता ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है। वो हॉट होती हैं, स्मार्ट होती हैं, जूश नहीं होती। वो नाचना भी नहीं जानती। हे मार्क आ गया। मार्क मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है जिस पर तुम्हें यकीन नहीं होगा। क्या? मुझे फीनिक्स से इनविटेशन मिला है। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, मतलब ये एक फोर स्टेप प्रोसेस है। आज रात उन्होंने इनविटेशन भेजा और कल मैं अपनी पहली फीनिक्स पार्टी में जा रहा हूँ। वाह, तुम्हें फीनिक्स ने इनवाइट किया है? हाँ शायद, क्योंकि मैं ब्राजील से हूँ, इससे डाइवर्सिटी बढ़ती है। लेकिन तुम लगे रहो, तुम मुझे क्या कहना चाहते थे वो बताओ। मार्क, हाँ, तुमने कहा तुम्हारे पास कोई आइडिया? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। चलो बाहर जाकर बात करते हैं। बाहर बहुत ठंड है। ये करीबियन नाइट की पार्टी है और वहाँ पे नायग्रा फॉल्स खामखा दिखा रहे हैं। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। लोग फेस मैश पर टूट पड़े थे, है ना? लेकिन वो इसलिए नहीं था क्योंकि वहाँ पर खूबसूरत लड़कियाँ थी। वो तो इंटरनेट पर कहीं भी आप ढूंढ सकते हो। वो वहाँ इसलिए आए क्योंकि वहाँ उनके पहचान की लड़कियाँ नजर आईं। लोग इंटरनेट पर जाकर अपने फ्रेंड्स को देखना चाहते हैं, तो क्यों ना ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जहाँ फ्रेंड्स, पिक्चर्स, प्रोफाइल्स, जो चाहे देख सकते हो, ब्राउज कर सकते हो। हो सकता है वो लोग हों जिनसे तुम पार्टी में मिले हो, लेकिन ये एक डेटिंग साइट नहीं है। मेरा कहना है कि हमें कॉलेज के सोशल एक्सपीरियंस को इंटरनेट पर ले आना चाहिए। मेरी यहाँ कुल्फी जम रही है। आई नो, मुझे भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगा है, लेकिन एडवाडो बोलो। और कहा एक्सक्लूसिव वेबसाइट होगी। तुम अगर किसी को जानते हो तो ही उन्हें वहां देख सकते हो, जैसे कि इनविटेशन मिलना। अच्छा आइडिया। ये फाइनल क्लब की तरह है, लेकिन यहाँ हम प्रेसिडेंट हैं। मैंने उससे कहा मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा। वाकई अच्छा आइडिया था। हैक करने के लिए कुछ था ही नहीं। इस साइट पर लोग खुद अपने फोटोज, अपनी इन्फॉर्मेशन डालने वाले थे और लोगों के पास किसी को इन्वाइट या फ्रेंडशिप डिक्लाइन करने का पावर भी था। हमारी दुनिया में जहाँ पहचान बहुत ही बड़ी चीज है, ये लोगों की पहचान बढ़ाने वाला था। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था, इसलिए उसे हजारों लाखों कोड्स लिखने थे। एक पल के लिए मैंने सोचा कि वो अपने रूममेट्स के पास क्यों नहीं जा रहा, डस्टिन मॉस्कोविट्स या क्रिस ह्यूजेस के पास जो प्रोग्रामर्स थे। हमारे सर्वर को रेंट पर लेने और वेबसाइट बनाने के लिए थोड़े पैसे लगेंगे, इसीलिए वो मेरे पास आया। क्या उसने कोई शर्त रखी? हाँ, हम शेयर करेंगे 70-30, 70 मेरा और 30 तुम्हारा, $1,000 और वेबसाइट के बिजनेस एंड को संभालने के लिए तुम CFO हो। और तुमने क्या कहा? मैंने कहा चलो करते। ठीक है, इसके अलावा उसने कुछ कहा? हाँ कहा। शायद ब्राजीलियन होने की वजह से तुम्हें इनविटेशन मिला, क्या फर्क पड़ता है? आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? एक्सक्यूज मी, लेकिन इसका केस से क्या लेना देना है? मेरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ। तुम कहना क्या चाहती हो? कहना चाहती है कि मैं जेलस था क्योंकि एडवार्डो को फीनिक्स में इनविटेशन मिला और इसलिए कंपनी बनाने से पहले ही मैं उसे निकालने की तैयारी में था। तुम जलते जेलस, और वो भी एडवार्डो से। प्लीज ये टाइपिंग बंद करो। मैम, मैं जानता हूँ आप रिसर्च करके आई हैं, इसलिए आप जानती हैं पैसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस समय मैं माउंट ऑबन स्ट्रीट खरीद कर फीनिक्स क्लब को एक पिंग पोंग रूम बना सकता हूँ। आकर बताऊंगा पार्टी कैसी थी। हम जानते हैं कि एक तरफ आपने जुकरबर्ग के खिलाफ केस दर्ज किया है, तो वहीं दूसरे केस में एक गवाह भी है। जी सर। मार्क ने जब तुम्हें ये आइडिया बताया है, तो क्या उस हफ्ते मार्क ने कभी टाइलर विंकलबॉस, कैमरॉन विंकलबॉस, दिव्या नरेंद्र या हार्वर्ड कनेक्शन का जिक्र किया? हाँ, इसने कहा उन्होंने इससे साइट पर काम करने को कहा, लेकिन इसे लगा कि उस साइट पर काम करके कोई मतलब नहीं था। इसने कहा उसके सबसे बेवकूफ दोस्त भी उनसे ज्यादा वेबसाइट के बारे में जानकारी रखते थे। उनसे यानी मेरे क्लाइंट से?
हाँ, उसने कहा, मतलब मार्क ने कहा कि आपके क्लाइंट्स ने उसे फेस मैश के किस्से के बाद अपनी इमेज सुधारने की सलाह दी, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था। फेस मैश में इसने हार्वर्ड के कंप्यूटर्स को हैक किया और एड बोर्ड के लोगों से बदतमीजी से बात की। फेस मैश ने इसका नाम खराब कर दिया था। क्या आप जानते थे कि फेसबुक को बनाने के दौरान मार्क मेरे क्लाइंट्स के कॉन्टेक्ट में भी थे? उस समय नहीं पता था, लेकिन देखिए, इस साइट का विंकल बॉस की डेटिंग साइट से कोई लेना देना नहीं था। तुम्हें कैसे पता? तुम तो वहां थे भी नहीं। क्या आप जानते थे कि फेसबुक को बनाने के दौरान मार्क मेरे क्लाइंट्स को ये जता रहे थे कि वो हार्वर्ड कनेक्शन बना रहे हैं? आप सीधे कंक्लूजन पर जा रहे हैं, सबूत है? तो सबूत आपके सामने पेश कर देते हैं। मार्क ज़करबर्ग से टाइलर विंकल वॉस को नवंबर 30, 2003 लिखा है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है जो तुमने मुझे भेजा, सब्जेक्ट री हार्वर्ड कनेक्शन। ऐसा लगता है जल्द ही हमारा काम पूरा हो जाएगा और हम इस पर कल रात बात करेंगे जब मेरा काम पूरा हो जाएगा। मार्क ज़करबर्ग टू कैमरॉन विंकल वॉस December 1, 2003 लिखा, सॉरी मैं आज थोड़ा बिजी था, मुझे तुम्हारे 3 मिस्ड कॉल्स मिले, मैं अपने सिस्टम क्लास के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। मार्क ज़करबर्ग टू टाइलर विंकल वॉस December 10, 2003 उन्होंने लिखा, इस हफ्ते मैं क्लास और काम को लेकर बहुत बिजी रहूंगा, इसलिए मीटिंग पोस्टपोन करना ही सही होगा। लिखा है, मैं कल भी बहुत बिजी हूँ। गाइस, तुम्हें नहीं लगता है लड़का बहुत शातिर है? हा? उसे कहो ठीक है, और उसे कहो कि छुट्टियां होने से पहले हमसे मिलकर जाएगा। मुझे एक डेडिकेटेड लिनक्स बॉक्स चाहिए जिसमें अपाचे MySQL बैकएंड में चल रहा हो, इसलिए थोड़े और पैसे चाहिए। कितने चाहिए? करीब $200। क्यों चाहिए? ट्रैफिक हैंडल करने के लिए। तो कर दो। पहले ही कर चुका हूं। अच्छा सुनो, मुझे दूसरा इनविटेशन मिला। अच्छा है, तुम्हें गर्व होना चाहिए, शायद इसके बाद तुम्हें एक और ना मिले। अच्छा तो मैं चलता हूँ। मार्क ज़करबर्ग टू टाइलर कैमरन विंकल वॉस एंड दिव्या नरेंद्र December 15, 2003 उन्होंने लिखा, मुझे अभी CS प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मुझे कोडिंग में 15 घंटे लगेंगे, इसीलिए मैं कल रात भी बिजी रहूंगा। मैं अगले वेंसडे दोपहर तक बिल्कुल भी नहीं मिल पाऊंगा। हमें वेंसडे का प्लान कैंसिल करना चाहिए क्योंकि मैं पूरे समय लैब में था। और उसके बाद यार सैटरडे को भी नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से मिलने जा रहा हूँ। ये देखो, जैसा कि प्लैक में लिखा है, मैं हूँ जॉन हार्वर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का फाउंडर 1968। इसे स्टैच्यू ऑफ थ्री लाइज कहते हैं। हार्वर्ड के 3 झूठ क्या है मिस्टर डाउड? 3 झूठ। सबसे पहला, ओह गॉड, अपनी पतलून निकाले। मैं जानता था। हाँ मिस्टर सैवरिन, सबसे पहला हार्वर्ड 1636 में बना था, ना कि 1638 में। दूसरा झूठ, हार्वर्ड को जॉन हार्वर्ड ने नहीं बनाया था। और तीसरा, वो जॉन हार्वर्ड नहीं है। तो कौन है बे? स्कल्पचर का दोस्त डैनियल चेस्टर। नसीब वाले हो, पतलून नहीं उतरी। क्लाइंट से मिलने के 39 दिनों के बाद भी मिस्टर ज़करबर्ग ने उनका हार्वर्ड कनेक्शन का काम पूरा नहीं किया था। लेकिन January 11, 2004 को मिस्टर ज़करबर्ग ने डोमेन नेम द फेसबुक रजिस्टर किया वाया नेटवर्क सॉल्यूशन। तुम्हें पता हो तो क्या मार्क ने हार्वर्ड कनेक्शन पर काम शुरू किया था? इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। हे कैमरन, मुझे लगता है कि अभी वेबसाइट पूरी तरह तैयार नहीं हुई है जिससे ये प्रॉपर फंक्शन कर सके और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। मुझे नहीं लगता ये वेबसाइट चलेगी। लिखा है बाद में बात करेंगे। क्या ये पहली बार था जब मार्क ने कोई प्रॉब्लम मेंशन किया था? हाँ पहली बार था। तुमने मिस्टर ज़करबर्ग को 36 ईमेल्स भेजे और तुम्हें जवाब में मिले 16, और पहली बार उन्होंने ये जताया कि वो खुश नहीं थे। यस करेक्ट, इसके पास 42 दिन थे हमारे सिस्टम को समझने और चुराने के लिए। क्या फेसबुक पर तुम्हारा कोई कोड है? साई प्लीज, क्या मैंने तुम्हारा कोई कोड इस्तेमाल किया है? तुमने तो हमारा पूरा आइडिया ही चुरा लिया। गाइस,
Match.com हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। मैं आगे बात कर सकता हूँ? देखिए, किसी फोरेंसिक टीम की जरूरत नहीं है इस केस को समझने के लिए। अगर फेसबुक को तुमने इन्वेंट किया होता तो आज फेसबुक तुम्हारा होता। मैं उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ जब तुम हमारे नाम का चेक काटोगे। सपना देखते रहो। आगे बढ़ते हैं। February 4, 2004। हम 9 बजे मिलने वाले थे। क्या तुम नींद में हो? मुझे कुछ ऐड करना है। क्या? ये तो बहुत ही अच्छा। तो ये लाइव कब जा रहा है? अभी इसी वक्त। तुम्हारा लैपटॉप लाओ। क्यों, तुम्हें मेरा लैपटॉप क्यों चाहिए? फीनिक्स में सबको मेल भेजने के लिए। नहीं, ये शायद ठीक नहीं होगा। उन्हें लगेगा ये स्पैम। ये स्पैम नहीं है। मैं जानता हूँ ये स्पैम नहीं है। हम इसे फीनिक्स के लोगों को भेजेंगे तो ये सही जगह सर्कुलेट होगा। मैं अब तक फीनिक्स में घुसा नहीं। उनकी पहचान बड़े लोगों से है। मुझे उनके ईमेल आईडी चाहिए। ठीक है, गुड। ईमेल आईडी jabberwock12.listserv@harvard.edu। ये लोग वाकई में जीनियस हैं और इनके ईमेल आईडीज भी उनसे बढ़कर हैं। इससे अच्छा ईमेल आईडी तो कोई बच्चा रखेगा। वो इतने भी बुरे नहीं है। सच है कि नहीं? हाँ, तुम सही हो। साइट अप लाइव है। चलो जाकर ड्रिंक पीते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। मेरी तरफ से मार्क। मार्क, क्या तुम प्रे कर रहे हो? यार, ये कौन सा गाना गा के हमें सड़ा रहे हैं? ये वैलेंटाइंस डे थीम है, वो लाइव सॉन्ग्स बजा रहे हैं। ओ अच्छा, क्योंकि ऐसा घटिया सॉन्ग सुनकर तो मुझे नींद आ रही है। हनी, अपना लैपटॉप बंद कर दो। 7 अलग लोगों ने मुझे सेम लिंक स्पैम की। केसी, क्या कहा? पता नहीं, आई जस्ट होप कि कोई पॉर्न साइट ना हो। हर बार ऐसी लिंक्स आती हैं। नहीं, स्पैम नहीं है। मैं ठीक हूँ, इट्स फाइन। बताना था, ज़करबर्ग ने हमारी वेबसाइट चुरा ली है। मार्क ज़करबर्ग, सब कुछ चुरा लिया उसने। वेबसाइट 36 घंटे से लाइव है। मिस्टर हॉजकिंस, टाय लॉयर डैडी के साथ फोन पर है। हाँ, मैं अपने भाई टायलर और बिजनेस पार्टनर दिव्या के साथ हूँ। वेलकम टू द फेसबुक। फेसबुक एक ऑनलाइन डायरेक्टरी है जो लोगों को अलग अलग सोशल नेटवर्क से जोड़ती है। रजिस्टर करने के लिए harvard.edu का एड्रेस होना जरूरी है। जी हाँ, मैंने पहले भी फोन किया था, मुझे मार्क ज़करबर्ग से बात करनी। जी हाँ, उसने एक दो बार कहा है, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। हर कोई हार्वर्ड में यूनिवर्सल डायरेक्टरी की बात कर रहा है। उसने कहा, उसने मतलब मार्क ने, मुझे सोचकर हंसी आती है कि लोग इसे करने में 2 साल लगा देंगे, जहाँ यही काम मैं 1 हफ्ते में कर सकता हूँ। हाँ, जानता हूँ, वो ऐसी ही बात करते हैं। थैंक यू। कल शाम ज़करबर्ग ने कहा है कि 650 स्टूडेंट्स ने thefacebook.com पर रजिस्टर किया है और उसने कहा है उसके मुताबिक आज सुबह तक ये नंबर्स 900 टच कर देंगे। जी हाँ, दिव्या ने अभी भी पढ़ा है कि पहले दिन में 650 स्टूडेंट्स ने thefacebook पर रजिस्टर। अगर मैं ड्रग डीलर होता तो एक दिन में 650 स्टूडेंट्स को फ्री में ड्रग्स नहीं बांट पाता। इसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, फिर ये इसने कैसे कर दिया? गाइस, बस करो यार। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे मिस्टर हॉजकिंस, ये सब कंपाइल करके आपको मेल करते हैं। आप खुद वेबसाइट पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपको उसके लिए हार्वर्ड की, खैर छोड़िए, हम आपको मेल करते हैं ना, वो आसान रहेगा। जी हाँ, मैं मानता हूँ वो अच्छा लड़का हो सकता है और यकीनन उसने ये जानबूझ के नहीं किया। वाओ, मैं सोचूंगा। और थैंक यू वेरी मच। और डैड,
आई लव यू टू। बड़ी तारीफ हो रही है उसकी। अच्छा लड़का तो बिल्कुल नहीं है वो। उसने हमारा आइडिया चुराया, डेढ़ महीने तक हमसे झूठ बोलता रहा। और उसने हमारे मुंह पे झूठ नहीं बोला। हाँ, क्योंकि वो हमसे मिलने ही नहीं आया। ठीक है, उसने हमें ईमेल से झूठ बोला, लेकिन 42 दिन तक वो अपना काम कर रहा था, क्योंकि वो एक चीज जानता था जो तुम नहीं जानते, कि पहली बाजी मार लो। मैं एक रेसर हूँ दिव्या, और तुम्हें कम से कम मुझे जीतने की इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं समझाना चाहिए। ओके, वो तुम्हारे डैडी के लॉयर, वो उनका हाउस काउंसिल, वो अब मामले की जांच करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो नोटिस भेजेगा। उससे क्या होगा? तो क्या करें, आईपी लॉयर से केस करवाएं उस पे? नहीं, मैं सुप्रानोस को बुलाकर उसकी धुलाई करवाना चाहता हूं ताकि उसे सबक मिले। हमें उनकी जरूरत नहीं है। सही कहा, हमें ये काम खुद करना चाहिए। मैं 6.5 फुट का हूं, 220 पाउंड का, और हम जैसे व्हाटएवर, मैं बस ये कह रहा हूं कि थोड़ी देर रुकते हैं और देखते हैं कि हो क्या रहा है। कितनी इन्फॉर्मेशन का इंतजार कर रहे हो तुम? हम मार्क से 3 बार मिले हैं, हमारे बीच 52 ईमेल्स एक्सचेंज हुए हैं, हम साबित कर सकते हैं, उसने हमारे कोड्स देखे, और ये पेज के नीचे क्या लिखा है? मार्क ज़करबर्ग प्रोडक्शन, होम पेज पर, हर पेज पे लिखा है। ओह नो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज ने मुझे झटके से हिला दिया। हम उस पर क्या लिखा है? ज़करबर्ग के मुताबिक उसके प्राइवेसी ऑप्शन के साथ facemash.com के दौरान बिगड़ी उसकी इमेज सुधर सकती है। यही तो हमने उससे कहा था, वो हमारा सब कुछ ले गया और हम कुछ नहीं कर रहे। कम से कम डैडी का लॉयर जब तक इस मामले को देख रहा है तब तक हम अखबार में कुछ छपवा देते हैं या क्या? लोगों को पता तो चले कि ये धोखेबाजी है। ये कोई लड़ाई नहीं है टाई, और हम किसी को सूर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं कर सकते? क्या गलत कहा उसने? उसे लगता है मैं गलत हूं। जवाब दो, क्यों नहीं? क्योंकि हम हार्वर्ड के जेंटलमैन हैं, ये हार्वर्ड है, यहां कोई झूठ बोलकर आगे नहीं बढ़ता, कोई किसी को सू नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है वो अकेला है जिसे लगता है कि तुम गलत हो? हाँ, जब तुमने ये कहा कि तुम्हारे पास ये आइडिया था तब क्या तुम्हें पता था टाइलर और कैमरन अमीर घराने से थे? मैं कुछ समझा नहीं। क्या तुम्हें पता था उनके पास बहुत पैसे थे? ये सवाल मुझसे क्यों पूछा जा रहा है? ये जानना जरूरी नहीं कि मैं क्यों पूछ रहा हूं। ये शायद तुम्हारे लिए जरूरी ना हो। साय, तुम जानते थे वो अमीर घराने के थे? मुझे इससे कोई मतलब नहीं था वो पैसे वाले थे कि नहीं। नरेंद्र को लिखे एक मेल में तुमने विंकल वॉस के कंसल्टिंग फर्म का जिक्र किया है, मैं सही कह रहा हूं? हार्वर्ड विंकल वॉस ने एक फर्म बनाया था जिसकी कीमत करोड़ों में है। तुम्हें ये भी पता था कि टाइलर और कैमरन हार्वर्ड फाइनल क्लब के मेंबर थे, द पोसेलियर। उन्होंने इसका जिक्र किया था। गलती कर दी जो तुम्हें ले गए वहाँ पे बाइक रूम तक। प्लीज, तो मतलब ये कहा जा सकता है कि तुम जानते थे कि मेरे क्लाइंट समीर थे? हाँ। अब मैं तुमसे अपना सवाल पूछता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जब तुम्हें पता था तो तुम पैसों के लिए एडवार्डो के पास क्यों गए जबकि उन्होंने पहले ही अपना इंटरेस्ट जताया था? बताइए। मैं अपने फ्रेंड के पास गया क्योंकि मैं सिर्फ उसे ही अपना पार्टनर बनाना चाहता था। एडवार्डो हार्वर्ड इन्वेस्टर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी, यू नो। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हें 60 करोड़ डॉलर्स के लिए सू कर रहा है? मुझे पता नहीं था, बताने के लिए शुक्रिया। एडवार्डो, जरा बताओगे लॉन्च के बाद क्या हुआ? आई एम सॉरी, क्या आप प्लीज उन्हें मिसेस सेवरिन के नाम से बुलाएंगे? ग्रेचन, वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। है नहीं थे, हम पहले इस पर बात कर चुके हैं। खैर, मिस्टर सेवरिन, द फेसबुक के लॉन्च के बाद क्या हुआ? वो छा गया कैंपस में, हर कोई उसे यूज कर रहा था, फेसबुक में, स्टूडेंट्स के बीच अब ये एक कॉमन टर्म बन गया। और मार्क? और मार्क कैंपस का हीरो बन गया था जिसमें शामिल थे 19 नोबल लॉरियट्स, 15 पुलित्जर प्राइज विनर्स एंड 2 फ्यूचर ओलंपियंस और एक मूवी स्टार के साथ। ओ, वो मूवी स्टार कौन था? जानना जरूरी है? नहीं। न्यूज स्टाइल से पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स की मैगजीन उठाई जिस पर कवर में MITS ऑल्टेयर किट लगा था। वो खूबसूरत दिन था और मैं अपने रेडक्लिफ के डॉर्म रूम में था। मेरे पास मैगजीन लाकर बोला, देखो दुनिया हमारे बिना आगे बढ़ जाएगी, हमें शुरुआत करनी होगी। और मैंने कहा ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि वो आगे की कहानी जानते हैं, लेकिन शायद नहीं। शुरुआत में सब अच्छा था। उस मैगजीन के कवर पर बने कंप्यूटर में 8080 प्रोसेसर लगा था। एक्स्ट्रा पैसे के बिना 256 बाइट का मेमोरी बोर्ड मिलता था। तो जब मैं बेसिक्स लिख रहा था तो चैलेंज 4KB को चलाने का नहीं था, बल्कि साथ ही मुझे यूजर्स के लिए प्रोग्राम्स चलाने के लिए वो 4KB अवेलेबल रखना था। और ये एलिस, हाय। तुम दोनों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाकर मुझे फेसबुक पर ऐड करना, हम साथ ड्रिंक्स कर सकते हैं। मैंने भी ये करके दिखाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से आप सबकी मदद से हम नए नए इन्वेंशंस करेंगे। उसने कहा फेसबुक पर ऐड करना और हम सब ड्रिंक के लिए जाएंगे। ये बात दो चीजों के लिए अच्छी है। एक, उसने मुझे ऐड करने को कहा, और दूसरी बात ये कि वो हमारे साथ ड्रिंक्स लेंगे। समझ नहीं रहे हो क्या? तुमने एक ही लाइन में इतनी सारी अच्छी चीजें सुनी है। एक्सक्यूज मी मार्क। या मैं स्टुअर्ट सिंगर हूँ, मैं तुम्हारे OS लैब में हूँ।
अच्छा फेसबुक बहुत अच्छा है। Awesome job. Thanks. मैं बाबू कैसे हूं? हम सब तुम्हारी तरफ देख रहे थे जब उन्होंने कहा कि अगला बिल गेट्स इस रूम में बैठा है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तो देर से आया था, मुझे पता नहीं स्टेज पर कौन था। वो बिल गेट्स थे। अच्छा बिल गेट्स थे। ऑलराइट बाय गाइस। यार तुम पागल हो, तुम्हें दिखाई नहीं दिया वो बिल गेट्स थे। यार मैंने अपने लेंसेस नहीं पहने आज। कौन है तुम्हें पीटने का मन? मुझे कैसे पता चलेगा? अब चलो। अरे यार पैसे कमाने का समय आ गया। उनका नाम क्या था? तुमने सुना मैंने क्या कहा? क्या मैंने कहा था? फेसबुक से कमाने का समय आ गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है अब इस वेबसाइट को पैसे बनाने चाहिए। नहीं वो मैं समझ गया, लेकिन ये बताओ कैसे? एडवर्टाइजिंग? नहीं, हमारे पास 4000 मेंबर्स है। देखो द फेसबुक अभी कूल दिखता है, एड्स डालेंगे तो बहुत ही बुरा दिखेगा। कभी ना कभी तो पैसे बनाने होंगे ना। देखो मैं कंपनी के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं। नहीं जानते ये वेबसाइट क्या कर सकती है, कितना आगे बढ़ सकती है, ये क्या बन सकती है या क्या बनने वाली है। हम सिर्फ जानते हैं ये कूल है। इतनी जल्दी मैं एडवर्टाइजिंग नहीं चाहता। फिर इसका क्रेज चला गया तो? इसका क्रेज कभी नहीं जाएगा, यही तो बात है। जैसे फैशन का क्रेज नहीं जाता। क्या? फैशन कभी खत्म नहीं होती। तुम फैशन की बात कर रहे हो, वो भी तुम? मैं बस आइडिया की बात कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि हमारी वेबसाइट भी वैसी है। फैशन में पैंट्स बेचकर पैसे कमाए जाते हैं। हमारा केक है। क्या ये पर्चा? इसे नोटिस भी कहते हैं। वैसे उनके नाम क्या थे? किसके? लड़कियों के। तुम्हें ये कब मिला? करीब 10 दिन पहले साइट के लॉन्च करने के बाद। ओह गॉड। वो लड़कियां उनके नाम क्या थे? ट्विंकल बॉस ट्विंस के मुताबिक तुमने उनका आइडिया चुराया। वो जो चाहे कहे, मुझे सब बकवास लगता है। ये बकवास नहीं, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट है। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं दिखा? देखो ये मेरे नाम पर इसमें लिखा है हमने ये आइडिया दिव्या नरेंद्र और ट्विंकल बॉस भाइयों से चुराया। मैं जानता हूं उसमें क्या लिखा है। ये सच है? क्या सच है? बात मत डालो, मेरी तरफ देखो। हम पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नहीं, मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये एक लॉयर ने भेजा है मार्क, उनके पास कोई तो सबूत होगा। ये लॉयर उनके डैडी का हाउस काउंसिल है। क्या ये सच है? सच ये है कि हमारा द फेसबुक हिट है और उनका हार्वर्ड कनेक्शन एकदम घटिया था। एडवार्डो मैंने उनका कोड यूज नहीं किया है, कसम से मैंने उनका कुछ भी यूज नहीं किया है। एक आदमी जिसने कुर्सी बनाई हो वो हर कुर्सी बनाने वाले से पैसे नहीं ले सकता। उनके पास एक आइडिया था, मेरा उससे बेहतर था। फिर तुमने ये लेटर क्यों नहीं दिखाया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर कोई गड़बड़ हो, कभी भी कोई भी गड़बड़ हो, तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, तो फेसबुक हमारा है। अब क्या कोई ऐसी बात है जो तुमने मुझसे छुपाई है? नहीं। अब हम आगे क्या करने वाले हैं? मैं स्टूडेंट लीगल सर्विसेज में गया था और उन्होंने मुझे जवाब देने की सलाह दी है। और तुमने क्या कहा? जब हम जनवरी में मिले तो मैंने तुम्हें साइट को लेकर कुछ दिक्कतें गिनाई, जैसे कि ग्राफिक्स कितना हुआ था, कितना प्रोग्रामिंग बचा था। हार्डवेयर की कमी की वजह से काम अटका था, वेबसाइट के प्रमोशन को लेकर मुझे चिंता थी। और ये पहली बार तुमने अपनी दिक्कतों को बताया था है? मैंने उससे पहले भी कहा था ऐसा कुछ नहीं। वन सेकंड जेंटलमैन, मैं जनवरी की मीटिंग को लेकर बात कर रहा हूँ जो ये लेटर रेफर कर रहा। हाँ। तो तुम्हें मैं याद दिला देता हूँ, तुमने मेरे क्लाइंट को 16 ईमेल्स भेजे और पहले 15 में तुमने किसी भी दिक्कत का जिक्र नहीं किया। क्या ये सवाल है? और 16th ईमेल में अचानक तुम्हें दिक्कतें आने लगी। क्या तुम 6 हफ्तों तक उन्हें गुमराह कर रहे थे? नहीं। तो फिर इन दिक्कतों का जिक्र पहले क्यों नहीं किया गया? बारिश हो रही है। क्या कहा? बाहर बारिश शुरू हुई है। मिस्टर ज़करबर्ग, क्या आप ध्यान दे रहे हैं? नहीं। क्या मैं इसके लायक नहीं हूँ? कुछ कहा? क्या मैं आपके ध्यान देने लायक नहीं हूँ? इस बातचीत से पहले मुझे कसम दी गई थी कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए सुन लीजिए मेरा जवाब है नहीं। ओके, नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना चाहिए? अगर आपके क्लाइंट्स मेरे कंधों पर बैठकर खुद को ऊंचा साबित करना चाहते हैं तो वो ये खुशी से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ किसी का झूठ सुनने नहीं आया। मैं ध्यान दे रहा हूँ लेकिन कम से कम, क्योंकि मेरा ज्यादातर ध्यान फेसबुक की ऑफिस में है जहां मेरे कोलीग्स और मैं वो काम करते हैं जो यहां बैठा कोई नहीं कर सकता, खासकर तुम्हारे क्लाइंट्स जिनका दिमाग ये क्रिएटिव काम करने के लायक नहीं है। क्या आपको आपके पूछे गए सवाल का जवाब मिल गया है? मेरी घड़ी में 12:45 हो रहे हैं, क्यों ना लंच ब्रेक लिया जाए? 2:30 बजे मिलते हैं। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है क्रिस्टी और एलिस, और वो हमें मिलना चाहती है आज रात। चलो यहाँ अंदर नहीं आना चाहिए, ये मैं सुन रही हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता।
सॉरी, दो लड़कियां अंदर फ्रेश हो रही हैं। वेरी गुड। रात का दिन अच्छा है। मैं बस अभी आया। वहां कहां जा रहे हो? एरिका, हाय। मैंने तुम्हें वहां से देखा, तुम यहाँ अक्सर आती हो क्या? पहली बार। मैं भी। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? जो कहना है यही कहो। मैं बस सोच रहा था अगर हम थोड़ा अकेले में बात कर पाते। यहाँ ठीक है माँ। मुझे नहीं पता तुमने मेरे नए वेबसाइट के बारे में सुना या नहीं, The Facebook। तुमने मुझे इंटरनेट पे कहा। इसी को लेकर बात करना चाहता हूँ। इंटरनेट पर? इसी के लिए मैं आया। लड़कियों को जानवरों से कंपेयर किया? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन तुमने अपने ब्लॉग में लिखा जरूर, तुम्हारे दिमाग की हर सोच इंटरनेट पे आनी जरूरी है, वरना वो एक जुर्म होगा। इंटरनेट पर पेंसिल से नहीं लिखा जाता मार्क, पेन से लिखा जाता है। और तुमने एरिका ऑलब्राइट को बुलाया, उसके बाद मेरे परिवार के नाम का मजाक उड़ाया और मेरी ब्रा साइज मेंशन की, यहाँ तक कि लड़कियों को हॉटनेस पर रेट भी किया। एरिका, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अंधेरे में बैठकर यही कर सकते हो, क्योंकि आजकल गुस्सा आने पर कायर ऐसा ही करते हैं। आई वॉज नाइस टू यू, अब मुझे टॉर्चर मत करो प्लीज। क्या तुम एक मिनट बात करने नहीं आ सकती? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ। ओके ओके। और हाँ, तुम्हारे वीडियो गेम के लिए गुड लक। Hey, तुमने अच्छा किया, यही करना सही था। तुमने माफी मांगी ना? हमें एक्सपैंड करना चाहिए। सही कह रहे हो। इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? ओके, अब हम येल और कोलंबिया में एक्सपैंड करेंगे। डस्टिन, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ कोडिंग का काम करो। क्रिस, तुम पब्लिसिटी संभालोगे और इसकी शुरुआत तुम बीयू के स्टूडेंट न्यूज़पेपर के साथ करोगे, द ब्रिज से। वो हार्वर्ड की स्टोरी से नफरत करते हैं। न्यूज़पेपर की ऑफिस में कोई तो कंप्यूटर साइंस मेजर होगा, उससे कहो मार्क उसके साथ 10 घंटे की फ्री प्रोग्रामिंग करेगा। तुम बीयू के न्यूज़पेपर में स्टोरी क्यों चाहते हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ। अब ये है डील। एडवर्डो सीएफओ है और वो कंपनी का 30% मालिक है। डस्टिन वाइस प्रेसिडेंट है और वो हेड ऑफ प्रोग्रामिंग है, और उसके कंपनी के 5% मेरी तरफ से आएंगे। क्रिस पब्लिसिटी का डायरेक्टर है और उसकी पेमेंट उसके काम के मुताबिक होगी। कोई सवाल? ये कौन है? सॉरी, ये है क्रिस्टी और एलिस। हाय 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 हाय। क्या हम कुछ कर सकते हैं? नहीं, दैट्स इट। येल और कोलंबिया, लेट्स गो। और स्टैनफोर्ड? क्या स्टैनफोर्ड? वक्त हो गया पहले वाले तो शहर के लोग इसे देखें। तुम लंच नहीं करोगे? नहीं। चाहो तो सैलेड ले सकते हो। नो थैंक्स। बहुत मुश्किल होगा ना? तुम हो कौन? मैं मैरिलिन टेल्पी हूँ। मैंने इंट्रोड्यूस किया था जब हम पहली बार मिले। तुम क्या करती हो? मैं फर्म में सेकेंड ईयर एसोसिएट हूँ। मेरे बॉस चाहते थे कि मैं इस सब के दौरान यहाँ बैठूं। क्या कर रहे हो? देख रहा हूँ कि बॉस्निया में कैसा चल रहा है। बॉस्निया? वहां सड़कें नहीं है लेकिन फेसबुक है। तुम विंकल वॉस भाइयों से नफरत करते होगे ना? मैं किसी से नफरत नहीं करता। विंकल वॉसेस मुझे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट को लेकर सू नहीं कर रहे। वो इसलिए सू कर रहे हैं क्योंकि पहली बार उनकी जिंदगी में चीजें वैसी नहीं गई जैसी उन्होंने सोची। वो एक्सपैंड कर रहा है। क्या? वो येल कोलंबिया और स्टैनफोर्ड में भी फैल चुका है। वो कल का बिल गेट्स है। अच्छा। हाँ,
वाह, लगता है हमारे भेजे नोटिस ने डरा कर रख दिया है उसे। मैं लॉयर को बुलाकर अभी के अभी साइट को बंद करवाना चाहता हूँ। जिस ज्यादा देर वो वेबसाइट चलेगी उतनी हार्वर्ड कनेक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी। मुझे केस दर्ज करना है, वेबसाइट बंद करवानी है, उसे जेल भिजवाना है, इस मामले को खत्म करना है। हाँ, मैं भी ये सब चाहता हूँ। तो फिर हम कुछ क्यों नहीं कर रहे? बस इसलिए क्योंकि हम हार्वर्ड के जेंटलमैन हैं। क्यों नहीं सोच रहे हो कि ये कैसा लगेगा? क्या कैसा लगेगा? अगर हमने उसे कुछ किया तो लोग हमें विलन समझेंगे और वो हीरो बन जाएगा। कैम, उसने मैसाचुसेट्स स्टेट लॉ तोड़ा है। जब वो कनेटिकट, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया जाएगा तो वहाँ फेडरल लॉ तोड़ेगा। और इस समय उसने हार्वर्ड का भी कानून तोड़ा। हार्वर्ड के कानून नाम की कोई चीज नहीं है। एक सेकेंड। बिल्कुल है। हार्वर्ड स्टूडेंट हैंडबुक हर नए स्टूडेंट को यह दी जाती है। इस किताब में कहीं तो लिखा है कि दूसरे स्टूडेंट्स का आइडिया नहीं चुरा सकते। हमें यही चाहिए था। समर्स से मिलना होगा। लैरी समर्स के साथ मीटिंग करना इतना आसान नहीं। मेरा भाई और मैं फीस देते हैं स्कूल में। 3.9 का GPA है हमारा। इस स्कूल के लिए हम ट्रॉफीज जीत चुके हैं, यहाँ तक कि हम स्कूल के लिए ओलंपिक्स में रो करने वाले हैं। स्कूल के प्रेसिडेंट से मिलने का हक है मुझे। स्टैनफोर्ड क्यों? तुम्हें क्या लगता है? आई एम सॉरी, बायोकेम लेक्चर के लिए लेट हो रही हूँ। ओके। तुम्हें मेरा नाम नहीं पता है ना? तुम्हारा नाम स्टैनफोर्ड है? कैसे तुम पार्टी में जाकर किसी के भी साथ, तुम मुझे जानते तक नहीं हो। अमेलिया रिटर, लेकिन तुम एमी प्रेफर करती हो। तुम ओरेंडा से हो, तुम्हारे डैड रियल एस्टेट में है और तुम्हारी माँ 10 साल से हाउसवाइफ है। मेजर सब्जेक्ट ट्रॉम्बोन। सच में? ट्रॉम्बोन को लेकर तुम कुछ कह रही थी? तुम ये सब कैसे जानते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फ्रेंच। अच्छा, तुम्हारा मेजर्स का सब्जेक्ट है ना? और तुम्हारा? मेरा है ही नहीं। तुमने अपने सब्जेक्ट्स नहीं चुने? मैं कॉलेज नहीं जाता। मजाक कर रहे हो ना? नहीं। तो कौन से कॉलेज जाते थे? विलियम टैफ्ट एलिमेंट्री, वो भी कुछ ही दिनों के लिए। सीरियसली? अब ये मत कहना कि तुम 15 साल के हो। नहीं, कहीं तुम तो 15 साल के नहीं ना? नहीं। तू करते क्या? मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मतलब काम नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या करते हो? कहा ना एंटरप्रेन्योर हूँ। लास्ट प्रोजेक्ट कौन सा था? Well, मैंने एक वेबसाइट बनाई है जहां लोग फ्री में गाने डाउनलोड और शेयर कर सकते हैं। नैपस्टर की तरह? Exactly, नैपस्टर की तरह। What do you mean? मैंने ही नैपस्टर बनाया है। शॉन पार्कर ने नैपस्टर बनाया? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम शॉन पार्कर हो? हाँ, वो जूता जो वहाँ दूसरे पैर में टेबल के नीचे, उस पर लिखा है। ओह, मैं रात भर शॉन पार्कर के साथ थी? जी नहीं, आप शॉन पार्कर के ऊपर थी। तुम मिलियनेयर हो? टेक्निकली नो। तो फिर क्या हो? कंगाल, फ्री म्यूजिक बांटने में ज्यादा पैसा नहीं है और जो है वो भी चले जाते हैं क्योंकि हर कोई केस कर देता है। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं नहाने जा रही हूँ, क्लास के लिए रेडी। बाय ओके, मैं इसके बावजूद भी तुम्हारा मेजर फ्रेंच है और तुम्हारा नाम है एमी। तुम पास हो गए। मैं टैलेंटेड जो हूँ। वहाँ जूस रखा है और जो कुछ भी चाहो ले सकते हो, अपना ही घर समझो। तुम्हारी लैपटॉप पर ईमेल चेक कर लूँ? या गो अहेड। एमी, एमी, एक सेकंड बाहर आओ। जस्ट अ सेकंड। एमी, तुम्हारे घर में सांप है। क्या? कोई सांप आप नहीं है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात पूछनी है। ये क्या मजाक है? मेरी जान जा सकती थी। कैसे? मैं इतनी तेज भाग रही थी, मैं वहाँ फिसल कर गिर सकती थी। खैर, तुम पूछ क्या रहे हो? मैं अपना ईमेल चेक करने जा रहा था लेकिन तुम्हारी लैपटॉप पर एक वेबसाइट खुली है। हाँ, कल रात तुम्हारे सोने के बाद मैं थोड़ी देर द फेसबुक पर बैठी थी। वो क्या है? द फेसबुक स्टैनफोर्ड में ये पिछले 2 हफ्तों से है। जबरदस्त वेबसाइट है लेकिन बहुत ही एडिक्टिव है। क्या मैं ये सब खुद को फॉरवर्ड कर सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछने वाली क्या बात है? सब ठीक है, अब बस मुझे तुम्हें ढूंढ निकालना है। मिस्टर मार्क ज़करबर्ग, मैं पहले कभी इस बिल्डिंग में नहीं आया। ये बिल्डिंग 100 साल पुरानी है, इसलिए संभल कर जाना। और कितनी देर बिठाएंगी? यस, बहुत अच्छे, तुम अंदर जा सकते हो।
वो उनकी बेवकूफी थी, मुझे वहाँ होना चाहिए था। अंधेरा तब होता है जब रोशनी नहीं होती, और वहाँ उसने बेवकूफी इसलिए दिखाई क्योंकि मैं नहीं था। कैथरीन, मेरे ऑफिस में कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, स्टूडेंट्स अंडरग्रेड्स। पता नहीं, देखने पर तो ऐसा ही लग रहा है, जरूर कुछ बेचने आए हैं। ठीक है, बाय बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मैं हूँ कैमरन विंकलवॉस, ये है मेरा भाई टाइलर। और तुम यहाँ किस काम से आए हो? जवाब कोई भी दे सकता है। सॉरी सर, मुझे लगा पढ़ रहे हैं। मैंने लेटर्स पढ़ लिए। खैर सर, हमें एक वेबसाइट बनाने का आइडिया आया था, हार्वर्ड कनेक्शन, हमने उसका नाम कनेक्ट यू रखा था, और मार्क जुकरबर्ग ने हमारा आइडिया। मैं समझता हूँ, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो ये बताओ। वेल सर, हार्वर्ड स्टूडेंट हैंडबुक में जो हर स्टूडेंट को दी जाती है, उसमें स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉन्डक्ट के अंदर लिखा है कि कॉलेज एक्सपेक्ट करता है कि सभी स्टूडेंट्स अपने कम्युनिटी के मेंबर्स के साथ ईमानदारी से रहेंगे और कोई चीटिंग नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स को पब्लिक और प्राइवेट ओनरशिप का सम्मान करना होगा, और किसी भी चीज को चोरी करने की सूरत में उसके साथ। एन, यस सर, वो लेटर टाइप कर देना, आगे बढ़ो। उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे कॉलेज से बर्खास्त भी किया जा सकता है। और तुम ये सब कुछ रट्टा मार कर आए हो, है ना? सर, मैं अपने भाई के साथ आपके पास आज मदद की। सर, किसी का आइडिया चुराना बुरी बात है, ये आपकी किताब में लिखा है, बस सिंपल बात। आपने हाउस मास्टर से बात की? जी सर, और हाउस मास्टर ने एड बोर्ड को रिकमेंडेशन दी, लेकिन वो हमसे मिलना नहीं चाहते। क्या तुमने उससे सीधे बात करने की कोशिश? मिस्टर जकरबर्ग पिछले दो हफ्तों से हमारा कोई फोन नहीं उठा रहे, कोई ईमेल का जवाब नहीं दे रहे हैं। हम उनके हॉस्टल गए तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, और एक बार तो वो मुझे सामने नजर आए, मैं उनके पीछे भागा पूरी यूनिवर्सिटी में उनका। उसके पीछे मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, और उसने बस वो भाग गया। यूनिवर्सिटी का इश्यू नजर नहीं आता, ये यूनिवर्सिटी का ही इशू है। उसने हार्वर्ड के कोड ऑफ एथिक्स और ऑनर यूनिवर्सिटी के साथ कोड ऑफ एथिक्स में एंटर होते हो, एक दूसरे के साथ नहीं। माफी चाहूंगा मिस्टर समर्स, पर जो कुछ भी आपने कहा मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा। उसके लिए दिमाग चाहिए। देखिए मेरा भाई, दरअसल ये कहना चाहते हैं कि अगर मार्क हमारे रूम में आकर हमारा कंप्यूटर चुराए तो वो यूनिवर्सिटी। मुझे नहीं पता, ये ऑफिस इतने छोटे मोटे मामले नहीं। ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये लाखों करोड़ों डॉलर का आइडिया हो सकता है। करोड़ों? जी हाँ। तुम शायद कुछ ज्यादा ही दूर की देख रहे हो। सर, मुझे लगता नहीं कि आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी रह चुका हूं मैं, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? कॉलेज ज्वाइन करते समय हमें सिखाया गया था कि हमें अपनी उम्मीदों और ख्वाबों को आसमान के ऊपर रखना चाहिए। तो फिर मेरी मानो और इन ख्यालों को किसी और प्रोजेक्ट पर लगाओ, समझ गए? ये आप कह रहे हैं? हार्वर्ड में हर कोई कुछ न कुछ इन्वेंट करता है। हार्वर्ड के सभी स्टूडेंट्स का यही मानना है कि जॉब को इन्वेंट करना जॉब पाने से ज्यादा अच्छा है, इसलिए मेरा सजेशन यही है कि तुम दोनों कोई और प्रोजेक्ट। माफ कीजिए सर, पर हम ये नहीं कहना चाह रहे। ये मुझे मत सिखाओ। आपको सही या गलत में फैसला करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें लगता है मुझमें समझ नहीं है? मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। वो तो मैंने कहा था। अच्छा सर, एन, इनको अपॉइंटमेंट कैसे मिली? इनके डैड की पहचान से। अब मेरी बात सुनो मिस्टर विंकलवॉस, और मिस्टर विंकलवॉस, अब जबकि तुम सही और गलत की बात कर रहे हो, तो ये मीटिंग तुम दोनों का यहाँ होना भी गलत है। तुम गलत तरीके से आए हो, और ये हार्वर्ड की प्रथा नहीं है, किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती। लेकिन हमने तो ऐसा बस एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दे। अगर आप क्या लगता है हम कोई साइंस का मॉडल बना रहे हैं? देखिए सर, दिक्कत है मिस्टर विंकलवॉस, स्पेशल ट्रीटमेंट की मांग तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, वहां जाइए। मैं आपके लिए और कुछ कर सकता हूँ? हाँ, हार्वर्ड की हैंडबुक को जला दीजिए। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया सर। ओप्स, सॉरी, आपका 335 साल पुराना ये टूट गया। एडवर्ड, स्प्रिंग ब्रेक यूनिट। स्प्रिंग की छुट्टियों में तुम मिस्टर जकरबर्ग के साथ न्यूयॉर्क गए थे? हाँ। किस काम से गए थे? सीएफओ होने के तौर पर मैंने एडवर्टाइजर्स से कुछ मीटिंग अरेंज की थी। इस ट्रिप के पैसे किसने दिए? इसके पैसे उस $1,000 अकाउंट से निकले थे जो मैंने कुछ महीने पहले खोला था। इस पॉइंट तक सिर्फ तुम्हारे $1,000 इस कंपनी में लगाए गए थे। हाँ। तो तुम्हारी मीटिंग्स कैसी रही? बहुत बुरी। क्यों? मार्क मीटिंग में सो गया था। मैं सोया नहीं था। क्या मैं अपना जवाब बदल सकता हूँ? काश मार्क उस मीटिंग में सो रहा होता। अब तक हम 29 कॉलेजेस में जा चुके हैं और 75,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं। जो लोग फेसबुक पर लॉगिन करते हैं वो किसी और साइट के मुकाबले ज्यादा देर तक साइट पर रहते हैं। अभी ये सबसे इम्प्रेसिव स्टैटिस्टिक है। 91% लोग एक बार ट्राई करने के बाद दोबारा आते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये आवाज कैसे निकाल रहा है। ये डिस्क है? नहीं, ये डिस्क नहीं है, ये कुछ ऐसे सुनाई देता है। आप इसे गैग रिफ्लेक्स कह सकते हो। मेरा मजाक कर रहे हो? न्यूयॉर्क की ट्रिप में एक और मीटिंग स्केड्यूल थी, है ना? हाँ, वो डिनर था, उस समय मेरी गर्लफ्रेंड ने अरेंज किया था। क्या मार्क इस मीटिंग को लेकर एक्साइटेड था? हाँ, बहुत ज्यादा। वो हमसे हमारी उम्र नहीं पूछ सकते। आसपास बेइज्जती होगी।
इसे बताओ कि आइडेंटिफिकेशन नहीं मांगेंगे। वो आइडेंटिफिकेशन नहीं मांगेंगे। मार्क, तुम फिर से एड्स के बारे में बात करोगे? अगर तुम दान करने के लिए जन्मे हो तो बात अलग है, वरना लोग बिजनेस प्रॉफिट के लिए करते हैं। लेकिन अभी तक हम तैयार नहीं हैं। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरा काम जाने दो। वो 25 मिनट लेट है। देखो, उसने नाप्चर तब बना था जब वो 19 साल का था, उसे लेट आने का हक है। हम बेवकूफ है तो क्या है? वो 25 मिनट लेट है। मुझे लगता है तुम जेलस हो रहे हो। सच कहूं तो मैं जेलस नहीं था, बस नर्वस था। क्यों? मैं उसे जानता तक नहीं था, लेकिन उसके बारे में इंटरनेट पर पढ़ा था और इधर उधर लोगों से पूछा था, और मुझे लगा उसका आना एक वाइल्ड कार्ड की तरह था। क्यों? उसने दो बड़ी कंपनीज के साथ फ्रॉड किया है और वो ड्रग्स भी लेता है। इससे ज्यादा मैं क्या एक्सप्लेन करूं? वो कंपनीज उसी ने बनाई थी, हमें उसकी जरूरत नहीं है। वो आ गया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आराम से। उसने गाड़ी भी कर ली है। हाय, मैं शॉन पार्कर हूँ। तुम शायद एडवार्डो हो, तुम क्रिस्टी और तुम मार्क। ग्रेट टू मीट यू। गाइस, तुम लोग ड्रिंक्स नहीं ले रहे? नहीं, सॉरी, हम आपका वेट कर रहे हैं। मेरे दोस्त आए हैं, कुछ खिलाओगी बिलाओगी नहीं? लाइक मीट लाओ, जिंजर कॉर्नफ्लेक्स के साथ ट्यूना टाटार, ओके, और लॉबस्टर क्लॉस अभी के लिए। अच्छा क्रिस्टी, तुम क्या पियोगी? एप्पल चीनी। ग्रेट, चार ले आना। और उसके बाद शॉन सिर्फ अपनी सुनाया जा रहा था। मैं जानना चाहता हूं कि तुमने बात क्या की। उसने हमें अपने नैपस्टर के एक्सपीरियंस के बारे में बताया। देखो, मैं तो अपनी 20s जॉब की तलाश में नहीं बिताना चाहता था, लेकिन किसे पता था म्यूजिक इंडस्ट्री के लोगों को मजाक पसंद नहीं। हमने कंपनी बेचकर रॉयल्टी के केस में 3.5 करोड़ चुकाने की कोशिश की, लेकिन उनके मुताबिक मैं पेट्रोल के पैसों के लिए अपनी गाड़ी बेच रहा था, इसलिए हमने सोचा जाने दो, बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दो। लेकिन तुमने अपना नाम बनाया और तुमने ग्लास खाली। उसके बाद उसने अपने दूसरे बिजनेस वेंचर की बात की, जो था ऑनलाइन रोलोडेक्स। उसे केस इक्विटी ने खरीद कर शॉन को फेंक दिया। और इस बार मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। मैंने ऑर्डर्स देने शुरू किए, लेकिन किसी को बच्चे से ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं। और जब एक 20 साल का बच्चा top.com कंपनी की बड़ी पोस्ट संभालता है तो पता है क्या होता है? मैं एक साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, लेकिन बात है कि तुमने हमें बता दिया। तुम एक साइकियाट्रिस्ट नहीं हो, लेकिन क्या? साइकियाट्रिस्ट उसे देखते तो उसे पागल बुलाते। वो तुम्हारे पीछे दिन रात प्राइवेट डिटेक्टिव्स लगाते हैं, हर समय तुम पर नजर रहती है। मैं साबित तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा फोन टैप करते थे और बस मौका ढूंढते थे मुझे नीचे गिराने के लिए। बड़ी पोस्ट पर आकर प्राइवेट लाइफ भी क्लीन गुजारना जरूरी हो जाता है। और अगर मान लो तुम अपनी जिंदगी दलाई लामा की तरफ भी बिता लो, तब भी वो खुश नहीं होते, क्योंकि उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारे आइडिया की जरूरत है। और वो चाहते हैं कि तुम बस थैंक यू कहो और अपने आंसू पोंछकर चलते बनो। कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ? और वो स्मार्ट भी। हाँ, लेकिन मैं केस करके अपना बदला लूंगा। मैंने नैपस्टर के साथ कई कंपनीज को बंद करवा दिया है और अब वो अपनी गलतियों की सजा भुगतेंगे। सॉरी, लेकिन तुमने रिकॉर्ड कंपनीज को बर्बाद नहीं किया, वो तो जीत गए कोर्ट में। हाँ, बताओ टावर के आखिरी गाने कौन से रिलीज हुए थे? एडवर्डो, फिर वो एक के बाद एक अपनी जिंदगी और सिलिकॉन वैली की कहानियां बताता गया, स्टैनफोर्ड और एलए की पार्टीज और उसके दोस्त जो करोड़पति बने। लेकिन सबसे ज्यादा वो मां को कैलिफोर्निया आने के लिए इंसिस्ट करता गया, और फिर अंत में फेसबुक की बात। अच्छा, तुम्हारे प्रोग्रेस के बारे में बताओ। हम इस समय 29 कॉलेजेस में हैं और 75,000 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। मुझे आगे की स्ट्रेटजी बताओ। ओके, अब जैसे हम बेलर गए थे, लेकिन उनके कैंपस में पहले ही उनकी एक सोशल नेटवर्किंग साइट थी, तो इसलिए सीधे बेलर में जाने की बजाय हम आसपास के कई स्कूल्स में गए। सबसे पहले वहां द फेसबुक से, उसके बाद अपने दोस्तों को देखकर बेयर के बच्चे भी द फेसबुक पर। स्ट्रेटजी को लिटिल बिगॉन कहते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक्स, वो आइडिया मेरा था। शॉन, हमारी मदद करो। मेरा कहना है कि हमें द फेसबुक से कमाई शुरू करनी चाहिए, लेकिन मार्क एडवर्टाइजिंग नहीं करना चाहता। कौन सा है? वेल, दोनों में से कोई भी नहीं। फेसबुक एकदम कूल है और इसलिए लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। या तुम एड्स डालकर उसके लोग को नहीं बिगाड़ना चाहोगे, क्योंकि एड्स exactly. नहीं है। ये तो ऐसा हो गया कि मानो तुमने कैंपस में बड़ी पार्टी रखी और टाइम सिर्फ 11 बजे तक का है। एग्जैक्टली, तुम्हें अभी तक पता भी नहीं है क्या कर सकती है, कितनी बड़ी है और कितनी दूर जा सकती है। मुझे नहीं लगता ये समय एड्स का है। मिलियन डॉलर कूल नहीं होते, जानते हो कूल क्या? $1 billion, और उससे हम सबके मुंह बंद हो गए। और तुम उसी दिशा में जा रहे हो, $1 billion की वैल्यूएशन की ओर।
देखो ये हर बिजनेस का उसूल है, तुम्हें बस कोई भी बैड डिसीजन नहीं लेना है। यू नो जब फिशिंग पर जाते हैं तो या तो बहुत सारी छोटी फिशेस पकड़ो या एक बड़ी फिश। क्या कभी किसी के घर पर फोटो देखी है जिसमें वो छोटी फिशेस के साथ खड़ा हो? नहीं, उसमें तो सिर्फ बड़ी फिश होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, लेकिन कोई 3000 पाउंड की मछली लेकर कैसे खड़ा रह सकता है? क्यों, इसमें दिक्कत क्या है? इतने वजन की मछली एक रेंज रोवर के साइज की होगी, यानी मछली न सिर्फ बड़ी होगी बल्कि उसे उठाने वाला भी ताकतवर होगा। शायद तुम बेकार की बात कर रहे हो। देखो मैं इन सब में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मुझे तुम्हारा काम पसंद आया और बस हाय बोलने आया था। उसने उस डिनर के बाद मार्क को जीत लिया। उसने बिल भरा और मार्क से कहा हम जल्द मिलेंगे, और जाते जाते उसने हमारी कंपनी को एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। सुनो, दर निकाल दो, सिर्फ फेसबुक रखो, कूल लगेगा। सही है। हाँ। इतना बोलने वालों का कोई ना कोई स्पीड रिकॉर्ड जरूर होगा। तुम पार्टी 11 बजे बंद करना चाहते हो? मैं पार्टी के लिए पैसा बनाना। पार्टी होगी नहीं अगर फेसबुक कूल ना रहा। तुम्हें क्या लगता है? ठीक है तो फेसबुक में से धो निकाल दो। हम बड़ी मछली पकड़ना चाहते हैं एडवार्डो, तुम्हें क्या लगता है? क्या मैं सही नहीं कह रहा? सही कह रहे हो माँ। मैं पेपर्स देख रही हूँ फेसबुक के इनकॉर्पोरेशन पेपर्स, LLC रजिस्ट्रेशन फ्लोरिडा से। फ्लोरिडा ही क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली वहाँ रहती है। साय आप चेक कर लो, हमारे डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक फेसबुक की ओनरशिप इस प्रकार है, 65% मार्क ज़करबर्ग, 30% एडवार्डो सेवरिन और 5% डस्टिन मॉस्कोविट्स। हाँ हाँ ठीक है। और ये शेयर परसेंटेज April 13, 2004 की है। मार्क कर सकती हो। इस पर कुछ कहना चाहते हो? हाँ, थैंक यू मिस्टर सेवरिन। क्या आपने कभी ऐसा कुछ किया है जिससे कंपनी के बंद होने की नौबत आए? नहीं। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कंपनी को शर्मिंदगी उठानी पड़े या नाम खराब हो जाए? नहीं। अच्छा, नहीं। तुम पर एनिमल क्रुएल्टी का इल्जाम लगा है। रुको, सच है ना? ये नहीं हो सकता है। मेरे पास यहाँ क्रिम्सन का एक आर्टिकल है। ओह गॉड, ये बहुत ही गलत है एडवार्डो। कम ऑन मार्क, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है? मुझे फीनिक्स में एंट्री मिली थी और मुझसे एक चिकन को एक हफ्ते तक अपने साथ रखने और उसका ख्याल रखने को कहा गया था। उन्होंने तुम्हें फेसबुक के को-फाउंडर के तौर पर पहचान लिया है, जूनियर एडवार्डो सेवरिन। मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जानवरों को टॉर्चर करने की खबर हमारे बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है। मैंने चिकन को टॉर्चर नहीं किया, मैं चिकन्स को टॉर्चर नहीं करता। क्या तुम पागल हो? मिस्टर सेवरिन शांत हो जाओ, मेरे पास क्रिम्सन का ये आर्टिकल है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं डाइनिंग हॉल में मार्क के साथ डिनर कर रहा था और मेरे साथ वो चिकन था, क्योंकि ये मेरा काम था और मुझे उसे हर समय अपने साथ रखना था। मुझे लगता है किसी को इसका जवाब देना होगा। 969। उस रात डाइनिंग हॉल में चिकन सर्व हो रहा था और मुझे अपने चिकन को कुछ खिलाना था, इसलिए मैंने अपने प्लेट में से चिकन के पीसेस लेकर अपने चिकन को खिला दिया। इतनी देर में किसी ने मुझे देख लिया और मुझ पर एनिमल क्रुएल्टी का इल्जाम लगाने लगा। मुझे नहीं पता था कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। मुझे कई एनिमल राइट्स ग्रुप को सहना पड़ा था, मैंने कॉलेज के एसोसिएट डीन का सामना किया और सब कुछ सॉल्व हो गया था। 988 क्या फ्लाई में किसी ने रिपोर्ट किया होगा? मैं जानता हूँ ये विंकल बॉस ने ही किया होगा। ठीक है, भूल जाओ इसके बारे में। ये क्या बात हुई, मुझ पर एनिमल क्रुएल्टी का इल्जाम लगा रहा है, इससे हाँ। तो नेक्रोफिलिया होता है। हाँ, नेक्रोफिलिया का इल्जाम बेहतर होता। मुझे अपने डैडी को समझाना है, मुझे सबको अपनी बेगुनाही समझानी होगी। तुम क्या कर रहे हो? पोस्ट वॉर और कंटेम्प्रेरी आर्ट्स पर मेरे फाइनल्स नजदीक आ रहे हैं, मैंने एक भी क्लास अटेंड नहीं की है। मुझे इन चार पेंटिंग्स पर कुछ लिखना है। ये हमारा फेसबुक पेज है? हाँ, मैंने एक नकली पेज बनाया, पेंटिंग को पोस्ट किया और लोगों से कमेंट करने को कहा। हर थोड़ी देर में कमेंट्स चेक करता हूँ ताकि मुझे कोई अच्छा आइडिया मिले। मिस्टर ज़करबर्ग अपने फाइनल एग्जाम्स में चीट कर रहे थे। मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता क्रेचिन। क्यों नहीं? क्योंकि मैं उसे फाइनल एग्जाम में चीटिंग करने को लेकर सू नहीं कर सकता। दोस्त ऐसा नहीं करते। अभी अभी तुमने कहा वो चीट कर रहे थे। ऊप्स, तुमने अपने लॉयर से कहा कि मैंने एनिमल्स को टॉर्चर किया? नहीं, उन्होंने हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा। हमारे लिटिगेटर्स क्रिम्सन में आर्टिकल्स ढूंढने में माहिर हैं। इनफैक्ट इस टॉपिक पर इन्होंने तुम्हें डिफेंड किया। उप्स। 993, 1000 टच होने वाला है। ओह या, उससे याद आया, हमें और पैसे लगेंगे एडवार्डो। हाँ ठीक है, और सर्वर्स और हेल्प चाहिए जानता हूँ। मैं दो इंटर्न्स को पालो ऑल्टो बुला रहा हूँ और हमें उन्हें कुछ देना होगा। सॉरी क्या? मैं रेंट पर एक घर भी देख रहा हूँ, स्टैनफोर्ड कैंपस के बस थोड़ी दूर, घर एकदम बढ़िया है और उसमें एक पूल भी है। तुमने कैलिफोर्निया जाने का फैसला कब लिया? यानी मैंने एक्चुअली कब डिसाइड किया? तो शॉन पार्कर की बात सुनकर बहक गए है ना? वो सही कह रहा था, कैलिफोर्निया हमारे लिए सही जगह है। क्या तुम कोई सिंगर बनने जा रहे हो? क्यों, वहाँ लोग सिंगर बनने जाते हैं क्या? शॉन ने सब कुछ बिगाड़ दिया। शॉन से तुम्हें प्रॉब्लम क्या है?
वो बिल्कुल भी हमारे काम का नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है। डस्टिन उससे बेहतर प्रोग्राम, उसके पास अच्छे अच्छे कनेक्शंस हैं। उन कनेक्शंस का हमें क्या, हमें एडवर्टाइजर्स चाहिए और वो मैं खुद ला सकता हूँ। ये तुम कह रहे हो, कंपनी का नाम बिगाड़ने की कोशिश की है तुमने। वो विंकल बॉस की चाल थी मार्क। हैंग ऑन, रिफ्रेश करो। 150,000 members, Eduardo. Congratulations, Mark. Congratulations. तुम्हें उसकी बात अजीब नहीं लगी कि प्राइवेट डिटेक्टिव्स उसका पीछा करते हैं? जिनको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उसे ड्रग्स और लड़कियों के चक्कर में निकाला गया। हम नहीं जानते कि ये सच है भी या नहीं। इंटरनेट पर पढ़ सकते हो, वहाँ तो तुम्हारे बारे में भी बर्ड्स को टॉर्चर करने का लिखा है। समझ रहे, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ये क्या बोल रहा है? कल हम सुबह 10 बजे CS लैब में इंटर्न्स का इंटरव्यू ले रहे हैं, वक्त पर आ जाना एडवार्डो। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। दस मिनट है और उन्हें पाइथन वेब सर्वर के रूट एक्सेस में जाकर SSL एन्क्रिप्शन को एक्सपोज करना है और उसके सिक्योर पोर्ट के ट्रैफिक को रोकना है। हैक कर रहे हैं। हाँ, पिक्स फायरवॉल एमुलेटर की आड़ में। कमाल की बात जानते हो? तुम जो भी कह रहे हो मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। बिल्कुल, तो कमाल की बात क्या? हर 10 लाइन के बाद उन्हें एक शॉट पीना होगा और हैकिंग के दौरान पकड़ा नहीं जाना चाहिए, और अगर समझो वो पकड़े गए तो उन्हें एक शॉट पीना होगा। इसके अलावा उन पांचों कंप्यूटर्स पर एक साथ एक पॉपअप विंडो आता है, जो उस विंडो को सबसे लेट बंद करेगा उसे शॉट पीना होगा। प्लस इसके साथ ही हर 3 मिनट में उन्हें एक शॉट पीना है। अच्छा, इंटर्नशिप के दौरान कौन सा काम उन्हें शराब के नशे में करना है? सही कहा, असल में एक हफ्ते तक चिकन को संभालने का टेस्ट ज्यादा अच्छा है ना? मजाक कर रहा हूँ मैं। ये लो। ये क्या है? मैंने एक नया अकाउंट बनाया और उसमें $18,000 डाले। इतनी समझ के लिए काफी है। वेलकम टू फेसबुक। $18,000? हाँ। ये अमाउंट उन $1,000 को गिने बिना है। हाँ। यानी टोटल $19,000 हुए। हाँ। एक सेकेंड, मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ। हाँ, 19,000 सही है। अब क्या मैं कंटिन्यू करूँ? जब तुम्हें पता चला कि तुमसे सलाह लिए बिना मिस्टर ज़करबर्ग कंपनी को कैलिफोर्निया ले जा रहे थे, तब भी तुमने अकाउंट में उसके इस्तेमाल के लिए $18,000 क्यों डाले? हम पार्टनर्स थे, एक टीम थे। मैंने सोचा जहां मार्क, डस्टिन और नए इंटर्न साइट पर काम कर रहे होंगे, तो मैं न्यूयॉर्क में रहकर एडवर्टाइजर्स को लाने की कोशिश करूंगा। मैंने कहां सोचा था कि 3 महीने में इतना कुछ बदल जाएगा। मैं भी जिंदा हूं। जानता हूं। मैं बच गया। दिख रहा है। ठीक है, रेडी? 8 पॉइंट लोगे? नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट। इतना भी बुरा नहीं था। हाँ। मैं ठीक हूँ। Are you sure? हाँ। देखा, दरवाजे पर कोई है। इस घर में डोरबेल भी है। एंड्रू, दरवाजा खोलो। हेडफोन पहने। एंड्रू, गुड बॉय। शौक, तुम यहाँ रहते हो? हाँ, हम सामने रहते हैं, हमने चिमनी को टूटते देखा। हाँ, सब ठीक तो है ना? नहीं, तुम सामने रहते हो? I'm Sharon. हाँ, ये शरण है, ये यहाँ पर सामने रहती है और हमने चिमनी टूटते हुए देखा और हमने पूल पर ज़िपलाइन बनाई थी। तुम कैलिफोर्निया आए? हाँ हाँ, सही डिसीजन लिया। ये लो। शरण, मुझे नहीं पता था। नो प्रॉब्लम। यू बॉट इट। ये लो। नहीं, ये घर और ये टीम बिल्कुल वैसी ही है जैसी होनी चाहिए। हाय, मेरा नाम शॉन पार्कर है। ओह, उसने हेडफोन लगाया है। यही तो वो नशा है। एडवर्डो कहाँ है?
उसे न्यूयॉर्क में एक इंटर्नशिप मिली है। तो वो कब आ रहा है? मैं पूछ रहा था तुम्हारे प्लान क्या है। समर तक 100 कॉलेजेस को कवर करना। हम रेस्टरूम जा रहे हैं। ओके। चलो मैं भी आती हूँ। तुम्हारी डेट मुझे काफी जानी पहचानी लग रही है। कई लोगों को लगता है। क्या क्या मतलब? रॉय रेमंड नाम का एक स्टैनफोर्ड MBA अपनी वाइफ के लिए लॉन्जरी खरीदना चाहता है, लेकिन शर्म के मारे डिपार्टमेंट स्टोर नहीं जा पाता। उसे एक आइडिया आया और उसने हाई एंड जगह बनाई जहां ऐसी चीजें खरीदने में शर्म ना आए। उसने $40,000 बैंक लोन लिया और $40,000 अपने ससुराल वालों से लिए और एक नया स्टोर खोला। उसे विक्टोरिया सीक्रेट का नाम दिया। पहले साल में उसने $500,000 कमाए। उसने अपने कैटलॉग्स बनाने शुरू किए और 3 और ऐसे स्टोर्स खोले। उसके 5 साल बाद उसने इस कंपनी को लेस्ली वेक्सलर एंड लिमिटेड को $40,00,000 में बेच दिया। हैप्पी एंडिंग ना? अब आगे सुनो। 2 साल बाद उस कंपनी की कीमत $50 करोड़ की हो गई थी और अफसोस के मारे रेमंड ने छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया। बेचारा बस अपनी वाइफ के लिए लॉन्जरी खरीदने निकला था। हाँ, लेकिन वो लड़की कौन है? मेरी डेट विक्टोरिया सीक्रेट की मॉडल है, इसलिए वो जानी पहचानी लगती है। सबसे इतना इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा ब्लॉग पढ़ा। नहीं, मैंने सब बकवास लिखा। पता है मैंने नैपस्टर क्यों शुरू किया? कॉलेज में मैं जिस लड़की से प्यार करता था वो वार्सिटी लैक्रोस टीम के को कैप्टन से प्यार करती थी। मैं उसे छीनना चाहता था, इसलिए मैंने उससे भी कुछ बड़ा करने का फैसला किया। मैं ये नहीं जानता था। नैपस्टर फेल नहीं हुआ। मैंने म्यूजिक इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। शायद बिजनेस अच्छा नहीं हुआ होगा, लेकिन कई लोग मुझसे नाराज हुए। और तुमने भी तो फेस मैश के साथ यही किया। वो मुझसे डरते हैं दोस्त, और वो अब भी मुझसे डरेंगे। VCs यही कहते हैं, अच्छा आइडिया है बच्चे, अब हम बड़े इसे संभालेंगे। लेकिन इस बार नहीं, ये हमारा वक्त है। इस बार तुम अपना बिजनेस कार्ड देना, ओके? जिस पर लिखा होगा IM CEO, कमीनो। यही मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ। तो बताओ एडवर्डो कहाँ है? वो न्यूयॉर्क में है। एड कंपनीज के पीछे भाग रहा है। उसे एक इंटर्नशिप मिली है। कंपनी यहाँ है, करोड़ों डॉलर्स की कंपनी। तुम्हारे लिए फेसबुक ही सब कुछ है ना? बिल्कुल जानता हूँ। एडवर्डो बिजनेसमैन बनना चाहता है और मैं जानता हूँ कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन बनेगा भी, लेकिन उसे इस समय न्यूयॉर्क में नहीं होना चाहिए। उसे इस समय यहाँ आकर मदद करनी चाहिए, वरना बता दूँ गोल्डन गेट के नीचे पानी बहुत ठंडा है, समझे? मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो और बताओ कि क्या मैंने कुछ गलत कहा। उस लड़की के बारे में क्या ख्याल है? कौन सी लड़की? वो लड़की लक्रॉस वाली जिससे तुम्हें प्यार हुआ था? नहीं तो? अगर हम कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं तो हमें शॉट्स चाहिए। तो इस समर तक 100 कॉलेजेस? हाँ, मेरा ऑफर सुनो। जहाँ तुम 100 कॉलेजेस को कवर कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए 2 कॉन्टिनेंट्स कवर करूँगा। 2 कॉन्टिनेंट्स? अगर तुम्हारे पास फिलहाल कोई घर ना हो तो तुम्हें डेफिनेटली हमारे साथ आकर रहना चाहिए। इसी बात पर और शॉट्स मारते हैं। एक्सक्यूज मी। यस सर। आप ये सब यहाँ से ले जाइए, हमारे लिए 1942 लेकर आइए। ठीक है मिस्टर पार्कर। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही कांटे की टक्कर है।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रोवर पीछे रह गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रोवर्स की स्पीड बढ़ रही है। बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाली है, यहां कुछ भी नहीं कहा जा सकता। टायलर, बहुत अच्छी रेस थी। थैंक यू। और ये है मेरा भाई कैमरन। एक्सीलेंट सर, हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस अल्बर्ट। योर हाइनेस, ये है कैमरन और टायलर विंकलवॉस। ऑफ कोर्स, बहुत अच्छी रेस थी। मैंने इतनी क्लोज रेस कभी नहीं देखी। जी और मेरे दादाजी जैक केली अपने दिनों के बेहतरीन रोवर थे। मैं 30 सालों से हेनली आ रहा हूँ, लेकिन मैंने इतनी क्लोज रेस कभी नहीं देखी। क्या तुमने कभी देखी इतनी क्लोज रेस? नहीं योर हाइनेस, इतनी लंबी रेसें आमतौर पर इतनी क्लोज नहीं हुआ करती। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, बहुत क्लोज थी। मैं आपको अपने टीममेट से मिलवा। आई एम सॉरी, हमें अभी जाना होगा। एक्सक्यूज मी, दूसरी टीमों से मिल ले। सॉरी, इतनी दूर आकर तुम्हें हार देखनी पड़ी। तुम्हारी रेस कैसे मिस करता? पता नहीं इसने कितनी बार मुझसे कह दिया कि रेस बहुत क्लोज थी, बहुत क्लोज थी रेस। आज तक इतनी क्लोज रेस नहीं देखी मैंने। डूड, वो एक ऐसे देश का प्रिंस है जिसका साइज एक छोटे सा आइलैंड जितना, इसलिए रिलैक्स। बॉयज, दिव्या, मिस्टर विंकलवॉस, काफी टफ मुकाबला। I'm sorry, आप इतनी दूर हमारी हार देखने आए। नहीं, ये तो काफी अच्छी रेस थी। तुम्हें किसी से भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बॉयज, मिस्टर केनराइट, डैड, ये मिस्टर केनराइट हैं, हेड ऑफ द फैमिली, होस्ट फैमिली के। आपसे मुझे भी मिलकर अच्छा लगा। मैंने अभी अभी अपनी बेटी से फोन पे बात की। वो कह रही थी कि वो और उसके दोस्त ऑलरेडी इस रेस को लेकर बात कर रहे थे जो उन्होंने कंप्यूटर पे देखी, एक नई वेबसाइट फेसबुक के ऊपर। क्या अमेरिका में भी फेसबुक है? मैं तुम्हारी माँ को ढूंढता हूँ। क्या मैंने कुछ गलत कहा? आपकी बेटी स्टेट्स में तो नहीं पढ़ती है ना? नहीं नहीं, कैम्ब्रिज में, फ्रेंच लिटरेचर में मेजर्स कर रही है। हालांकि मुझे कोई आइडिया नहीं। और ये फेसबुक कैम्ब्रिज में भी? हाँ, ऑक्सफोर्ड और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, वहीं जहाँ उसके दोस्त भी हैं। अच्छा है। अच्छी रेस थी बॉयज, हार जीत तो होती रहती है। मैं जाकर रेस देखता हूँ। अगर ये ऑनलाइन है तो मुझे देखना है। रुको, रुक जाओ कैम, रुक जाओ। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि हम डच से एक सेकंड से रेस हार गए। वो अच्छी रेस थी, एक फेयर रेस थी, उन्हें फिर कभी हरा देंगे। मगर मुझे दिक्कत इस बात से है, और शायद तुम्हें भी होनी चाहिए, कि रेस अगर संडे को है तो मंडे को आकर कोई फायदा नहीं होगा। हमने मार्सेल से बात की, एड बोर्ड से बात की, चिट्ठियां लिखी, यहां तक कि यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट तक से मिलकर आए। अब मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, अब देर न करते हुए वकील का सहारा लेकर उसे फेडरल कोर्ट में सू करना है। मान भी जाओ। मुझे एक ड्रिंक चाहिए। ठीक है, चलो उस चोर को सबक सिखाते हैं। यही तो हम चाहते थे दोस्त। ध्यान से सुनो, मैंने आज उसे देखा। मैनिंगहैम, मिचेल मैनिंगहैम, मेरा केस थी वाला। अच्छा एक मिनट, तुम लोग स्पाइक्स इस्तेमाल करे हो या घोस्ट मिसाइल? बस एक दूसरे पर फायर कर रहे हैं। कामिकाज़े इस्तेमाल करो ना। जैसा कि हमें पता है वो क्या है। मैंने उसे अपनी टर्बो करेरा में जाते देखा, और उसने भी मुझे देखा। मैं जानता हूँ उसने मुझे देखा। घबराओ मत, मैं लैंडलाइन से बात कर रहा हूँ। मैं जीत गई। कोई दरवाजे पर है क्या? कोई भी नहीं है वहाँ, तुम अपना काम करो। ओके, देखो कोई खटखटा रहा है। देखो, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब देख रहा हूँ ना। अच्छा, दरवाजे पर कोई है? एक मिनट, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। व्हाट्सअप? व्हाट्सअप? मार्क मुझे एक घंटे पहले एयरपोर्ट से पिकअप करने वाला था, मैं कब से उसे फोन कर रहा हूँ। पिछले 36 घंटे वो कोडिंग कर रहा था, थक गया है, थोड़ा सो रहा है। यहाँ क्या क्या हुआ? क्या हुआ, क्या हो रहा है ये पूछो। फेसबुक हिट हो गया। हे डस्टिन, हे, काम पर लगो। ठीक है। अरे, नशा चढ़ता जा रहा है।
मैं ठीक तो हूँ ना? कुछ नहीं होगा बेबी। इनकी उम्र क्या है शॉन? लड़की की उम्र नहीं पूछते। शॉन की उम्र क्या है? तो तुमने मेरे बारे में काफी पढ़ा है? हाँ काफी पढ़ा है। जानते हो मैंने तुम्हारे बारे में कितना पढ़ा? कुछ भी नहीं। एडवार्डो। हे मैन, एक घंटे से एयरपोर्ट पर खड़ा था। टाइम क्या हो रहा है? आधी रात या रात के 3 बजे न्यूयॉर्क के मुताबिक जहाँ से मैं आया हूँ। आओ तुम्हें हमारे नए अपडेट्स दिखाता हूँ। हे डस्टिन, एडवार्डो को वॉल दिखाओ। मैं इसे बस वॉल कह रहा हूँ। छोड़ो, उस मीटिंग के बारे में बताओ जो मैंने सेट की है। तुम पीटर थियल को जानते हो? नहीं। बस इतना जान लो कि वो सिर्फ $2 अरब का इन्वेस्टमेंट फंड चलाता है जिसका नाम है क्लेरियम कैपिटल। ये मीटिंग्स क्यों सेट कर रहा है? थील हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। जो भी हो, लेकिन ये बिजनेस मीटिंग्स क्यों सेट कर रहा है? तुम्हें आराम की जरूरत? नहीं, मैं एयरपोर्ट पर घंटों तक खड़ा रहा, फिर SFO के पैसेंजर लोडिंग और अनलोडिंग जोन में काफी समय लगा और फिर उसके बीच में एक लंबी फ्लाइट थी। मैं इस कंपनी का CFO हूँ और याद दिला दूं कि ये यहाँ एक मेहमान है जो मुफ्त में रह रहा है और सारे पैसे एडवार्डो सेवरिंग फाउंडेशन से निकले हैं। बाय द वे, मैं जानता हूँ तुम किस तरह के एड्स लाए हो, गैरी टक्सीडोस, हार्वर्ड बारटेंडिंग कोर्स, और जिस तरह जा रहे हो तुम तो कुकी वालों की भी एड ले आओगे। व्हाट अ बीस्ट। तुमसे अकेले मैं बात करना चाहता हूँ। श्योर। ये देखो। देखो मैं जीत रही हूँ। गर्ल्स, हिट इट। मैं तो टल्ली हो गई हूँ। सब कैसा चल रहा है? इंटर्नशिप कैसी रही? क्रिस्टी कैसी है? इंटर्नशिप कैसी रही? हाँ मार्क, मैं इंटर्नशिप छोड़कर यहाँ आया हूँ। मैंने फोन पर तुमसे कहा, मैंने पहले ही इंटर्नशिप छोड़ दी। मुझे याद है तुमने ऐसा कुछ कहा था। वैसे क्रिस्टी कैसी है? क्रिस्टी पागल है। क्या ये अच्छी बात है? नहीं, वो थोड़ी साइकोटिक है, वो चलती है ना समझ है। मुझे उससे डर लगता है, बहुत बहुत डर लगता है। फिर भी कम से कम तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो है। मैं उस आदमी को हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करते नहीं दिखना चाहता था। एडजस्ट करना होगा एडवार्डो, वो हमारी मदद कर रहा है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? वो एनर्जी मार्क, सुनो, मुझे डर है तुम एडजस्ट नहीं कर पाए तो तुम पीछे रह जाओगे। मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज। मैंने जो भी कहा उसके लिए माफ कर दो। क्या कहा तुमने? हमारी कंपनी कईयों की सोच से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो तुम्हारा मतलब क्या? शॉन को लगता है कि इस वक्त हमारी कंपनी का हिस्सा नहीं। हमारे पास 3 लाख से ज्यादा मेंबर्स है एडवार्डो, और हम 160 कॉलेजेस में हैं जिसमें से 5 यूरोप की हैं। अब हमें और ज्यादा सर्वर्स की जरूरत है, और ज्यादा प्रोग्रामर्स, और ज्यादा पैसों की जरूरत है। उसने टील के साथ मीटिंग सेट की, वो हर जगह मीटिंग सेट कर रहा है। उसने सारे मीटिंग सेट किए बिना मेरी जानकारी? तुम न्यूयॉर्क में थे? न्यूयॉर्क में हर रोज 14 घंटे काम करके एडवर्टाइजर चला रहा था। क्या नतीजा हुआ उसका? मैं पीछे रह जाऊंगा, ऐसा क्यों कहा? मे आई हेल्प यू? मैं इस बैंक अकाउंट को बंद करवाना चाहता हूँ और बाकी सभी चेक्स और क्रेडिट्स कैंसिल करवाना चाहता हूँ। आपके पास आईडी प्रूफ है? हाँ जरूर। वो बस कुछ देर में ही तुमसे मिलेंगे। नो प्रॉब्लम। पता है टावरिंग इन्फर्नो की फिल्म की शूटिंग यहीं हुई? बताने के लिए थैंक्स। हे गाइस, अंदर आ जाओ। क्या तुम पानी लोगे? नहीं नहीं, हम ठीक है। शॉन कैसे हो तुम? अंदर आओ। हे मार्क। हाय। हमें तुम्हारा बिजनेस प्लान अच्छा लगा, कांग्रेचुलेशंस। हम $5 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत करेंगे। मॉरिस तुमसे बाकी सभी डिटेल्स पर डिस्कस कर लेंगे। हम कॉर्पोरेशन को डेलावेयर में फाइल करेंगे और इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। अब मुझे ये बताओ कि ये एडवार्डो सेवरिन कौन है? वापस कब आए? तुमने मुझे डरा दिया, आने से पहले नॉक करो। मैंने पूछा वापस कब आए? आज दोपहर को आया। और आकर मुझे फोन नहीं किया? क्रिस, मैं बहुत थक गया था और आकर सीधा सो गया। ना मेरे 47 मैसेजेस का जवाब दिया। 47 मैसेजेस का मतलब जानते हो? और मैं ये भी जानता हूँ कि यही तुम्हारा नॉर्मल बिहेवियर है। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। तुम्हारा फेसबुक प्रोफाइल अब तक सिंगल क्यों है? क्या
फेसबुक पर तुम्हारा रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल क्यों है, जरा बताओगे? जब मैंने अकाउंट बनाया था तब मैं सिंगल। और तुमने उसे बदलना जरूरी नहीं समझा? नहीं, बताओ। मुझे बदलना नहीं आता। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? नहीं, शांत हो जाओ। तुम मुझसे कह रहे हो कि फेसबुक के सीएफओ को अपना रिलेशनशिप स्टेटस बदलना नहीं आता है? झूठे। काफी एंबैरसिंग है, लेकिन सोचो, कम से कम मैं ये तुम्हें बता तो रहा हूँ। भाड़ में जाओ। टेक इट इजी। इसलिए नहीं बदला ताकि हर बार मार्क से मिलने के बहाने तुम सिलिकॉन वैली की दूसरी लड़कियों के साथ मजे करो। और यकीन मानो, सिलिकॉन वैली की लड़कियों को फेसबुक रिलेशन स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज अब अपना गिफ्ट खोल दो। तुम्हारा फोन आ गया। ये तो मार्क है। अब इससे क्या बात करूं? अपना गिफ्ट खोलो, मैं तुम्हारे लिए सिल्क स्कार्फ ले आया हूँ। क्या तुमने मुझे कभी स्कार्फ पहनते देखा? आज है? पहली बार देख लूंगा। हाँ। तुमने अकाउंट बंद किया? हाँ। तुमने हमारा अकाउंट बंद किया? तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे। तुम जानते हो इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? जानते हो इसे मेरी आज तक की सारी मेहनत बेकार हो सकती थी? हमारी मेहनत पैसों के बिना साइट नहीं चलेगी। अब फेसबुक और बाकी साइट में डिफरेंस समझो, हम बंद नहीं पड़ सकते। अगर एक दिन के लिए भी हमारा सर्वर डाउन रहा तो हमारी रेपुटेशन हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंडस्टर को देख लो, सिर्फ कुछ लोगों के जाने से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सारे यूजर्स इंटरकनेक्टेड हैं, यही तो मेन बात है। कॉलेज के बच्चे ऑनलाइन आते हैं क्योंकि उनके फ्रेंड्स ऑनलाइन आते हैं, और अगर एक गया तो फिर दूसरा भी जाएगा। तुम्हें समझ नहीं आता मैं सब कुछ फिर से शुरू नहीं करना चाहता। ओह, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें गुमनामी की जिंदगी पसंद है? क्या तुम्हें जिंदगी में फिर से मजाक बनकर रहना? एक सेकंड। तुम्हारी हरकत बच्चों जैसी थी, एक बिजनेसमैन जैसी नहीं, और दोस्तों वाले तो बिल्कुल भी नहीं। जानते हो कितना एम्बैरेसिंग था जब मैं चेक लेकर बैंक गया और उन्होंने कहा बैंक अकाउंट बंद हो चुका है? शायद तुम फ्रस्ट्रेटेड हो या नाराज हो। नाराज था, लेकिन मैं बीती बातों को भूलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि एडवार्डो, मेरे पास एक गुड न्यूज है। I'm sorry, मैं गुस्से में था और हो सकता है मैंने बच्चों जैसी हरकत की, लेकिन मैं तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता था। एडवार्डो, मैंने कहा मेरे पास एक गुड न्यूज है। क्या न्यूज है? पीटर थील ने $5,00,000 की इन्वेस्टमेंट की है। क्या? $5,00,000, और वो हमारे लिए ऑफिस बनवा रहा है। वो कंपनी को रिस्ट्रक्चर करना चाहता है, तुमसे मिलना चाहता है। उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स पर तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए, इसलिए जल्दी से पहली फ्लाइट पकड़कर यहाँ सैन फ्रांसिस्को आ जाओ। मुझे मेरा सीएफओ चाहिए। मैं आ रहा हूँ। एडवार्डो, हमने कर दिखा। एडवार्डो, तुम वापस जा रहे हो? और मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। आज तो घूम मजे करेंगे। चार डॉक्यूमेंट्स हैं। पहले दो कॉमन स्टॉक खरीदने के एग्रीमेंट्स हैं, जिनके मुताबिक अब तुम पुराने स्टॉक्स जो अब बेकार हैं उनके बदले फेसबुक के नए स्टॉक्स ले रहे हो। तीसरा है एक्सचेंज एग्रीमेंट, जिसके मुताबिक तुम पुराने शेयर्स को नए शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो। और चौथा वोटर होल्डिंग एग्रीमेंट। तो अब मेरे पास कितने शेयर्स होंगे? 13,28,334। इसके मुताबिक तुम्हारा ओनरशिप शेयर है 34.4%। अब ये पहले के 30% से ज्यादा क्यों है? वो इसलिए कि तुम शेयर्स को डाइल्यूट करके नए इन्वेस्टर्स ला सको। मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है। सही कह रहे हो। तुम्हें जानना चाहिए, मार्क ने अपना परसेंटेज 60 से 51 कर दिया है। मार्क को पैसों की नहीं पड़ी, इसलिए उसे प्रोजेक्ट करना ज्यादा जरूरी है। डस्टिन मॉस्कोवॉट्स के पास 6.81% है, शॉन पार्कर के पास 6.47। ठीक है, कोई बात नहीं। और पीटर थियल 7%। आपके पास पेन नहीं तो मेरा ले सकते हैं। एडवार्डो, क्या आप सवाल दोहराएंगे? प्लीज, पहले ही घटिया सवाल पूछा गया है और अब तुम सवाल दूसरी बार सुनना चाहते हो? प्लीज, सवाल फिर से पूछो। अब ठीक है। जब तुम पेपर साइन कर रहे थे, क्या तुम्हें पता था तुम अपने डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर रहे थे? नहीं। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो उन पेपर्स को अपने लॉयर्स को नहीं दिखाया। सच कहूं तो वो मुझे अपने लॉयर्स जैसे ही लगे। मैं तुम्हारा इकलौता दोस्त था, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। अपने पापा से भी नजर नहीं मिला पाया। ठीक है एडवार्डो, क्या मिस्टर ज़करबर्ग ने पेपर साइन करने के बाद तुमसे कुछ कहा? सब हाथ मिला रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। उसने पहले ही कहा था कि वो इस सेमेस्टर के लिए कॉलेज नहीं आने वाला था, इसलिए हम गुड बाय कह रहे थे। और मेरे जाने से पहले उसने कहा, लेकिन तुम्हें वापस आना होगा।
नवंबर की एंड या दिसंबर की शुरुआत में 10 लाख मेंबर्स होने पर पीटर एक पार्टी देने वाला है। पार्टी शानदार होगी और बहुत मजा आएगा, तुम्हें आना ही होगा। 10 लाख मेंबर्स? हाँ। कर्कलैंड की खिड़की पर लिखा हुआ एल्गोरिथम याद है? हाँ। मैं जरूर आऊंगा। तुम्हें लगता है ये आइडिया अच्छा है? तुम बस 20 मिनट लेट हो। अंदर जाकर कहना कि तुम ज्यादा सो गए और कपड़े पहनने में टाइम लग गया। वो तुम्हें पिच करेंगे, के सिक्योरिटी वाले तुम्हें पिच करेंगे, वो लोग तुमसे पैसे लेने की भीख मांगेंगे। तुम सुनते रहना सुनते रहना सुनते रहना और फिर पूछना रॉथ कौन है। मैनिंगम कौन है? तुम में से मिचेल मैनिंगम कौन है? कोई तो कहेगा कि मैं हूँ, फिर तुम उसे कहना शॉन पार्कर ने कहा जाओ भाड़ में। निकल आना। ओके। नवंबर में मुझे मार्क का मेल मिला जहाँ उसने 10 लाख मेंबर्स की खुशी में आने को कहा। उसी मेल में और क्या लिखा था? लिखा था कि हमें एक बिजनेस मीटिंग करनी थी और ये कि मार्क और शॉन ने केस इक्विटी के साथ कोई बदला लिया था और मैनिंगहम इतना इम्प्रेस हो गया था कि उसने एक ऐसा ऑफर रखा था जिसे ठुकराया नहीं जा सकता था। इसलिए मैं कैलिफोर्निया गया और सीधे नए ऑफिस गया। मुझे ये नहीं पता था कि पार्टी के लिए तैयार होना है या बिजनेस मीटिंग के लिए, इसलिए मैंने दोनों की तैयारी की। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे दोनों चीजों के लिए नहीं बुलाया गया था। तो फिर क्यों बुलाया गया था? धोखा देने के लिए। मिस्टर सेवरन, हे यहां पर। कैसे हो? ठीक हूं। पहले मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं, मुझे और कॉन्ट्रैक्ट्स दिए साइन करने के लिए, लेकिन फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। ये क्या है? जैसा कि तुम्हें बताया गया है, नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। क्या है ये? मिस्टर सैवरन, वो सुन नहीं सकता। क्या? उसने हेडफोन लगाए। अच्छा? देखो ना। क्या अभी सुनाई नहीं दे रहा? सिक्योरिटी को बुलाओ। तुमने 24 मिलियन नए शेयर्स इशू किए हैं। तुमसे कहा गया था कि अगर नए इन्वेस्टर्स आए। तुम्हारे कितने शेयर्स डाइल्यूट हुए और इसके कितने? मिस्टर ज़करबर्ग के शेयर्स कितने डाइल्यूट हुए थे? एक भी नहीं। मिस्टर मॉस्कोविट्स के शेयर्स कितने डाइल्यूट हुए? उनके भी नहीं। तो फिर शॉन पार्कर के ओनरशिप शेयर्स कितने डाइल्यूट हुए? उनके भी नहीं। और पीटर चेल के शेयर्स कितने डाइल्यूट हुए? नहीं हुए। और तुम्हारे ओनरशिप शेयर्स कितने डाइल्यूट किए गए थे? 0.3%। तुमने पेपर साइन किए थे। तुमने मुझे फंसाया। तुम इल्जाम मुझ पर डालोगे। कंपनी के बिजनेस हेड होकर भी तुमने अपनी ही कंपनी के साथ एक खराब बिजनेस डील किया। तुमने जैसे मुझे फेसबुक से अलग ही कर दिया। नहीं किया, तुम्हें फेसबुक से हटा दिया गया। मेरा नाम मास्ट हेड पर है। दोबारा चेक करना चाहोगे? क्योंकि मैंने अकाउंट फ्रीज कर दिया था। तुम्हें क्या लगता है एडवर्डो, ये कंपनी तुम्हारी इन बचकानी हरकतों को सहती रहेगी? सॉरी, मेरे बाप, मुझसे गलती हो गई। और मिस्टर मार्क, मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ, मेरे झूठे मक्कार दोस्त। अच्छा, सिक्योरिटी वाले आ गए हैं, खुद जाना चाहते हैं? पेपर्स पर साइन नहीं करने वाला। वो तो हम करवा ही लेंगे। कहिए, तुमने मेरे फीनिक्स में जाने की वजह से तो नहीं किया? तुमने ये सब प्लान किया? वो चिकन वाली स्टोरी भी तुमने प्लान की? मैंने कोई स्टोरी प्लान नहीं की थी। कौन से चिकन की बात कर रहा है? तुमने मुझ पर एनिमल क्रुएल्टी का इल्जाम लगवाया। ये चिकन वाली बात क्या है? अब मुझे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा है। तुमने कहा उन्होंने मुझे फेसबुक के को फाउंडर के रूप में आइडेंटिफाई किया, जो कि मैं हूँ। अब तुम कोर्ट की कार्यवाही के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इस बार मैं 30% के लिए नहीं आ रहा, इस बार मैं सब कुछ लेने आऊंगा। इसे निकालो यहां से। इट्स ओके, मैं जा रहा हूं। एक मिनट सुनो, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हारे $19,000 तुम्हारे ही फ्रीज किए अकाउंट से। तुम्हारी जगह मैं होता तो कैश नहीं करवाता। एक दिन मैं तुम्हारी जगह लूंगा शॉन, और तुम कहीं के नहीं रहोगे।
आज के समाचार यही समाप्त हुए। चलो अब मैं सबको पार्टी के लिए तैयार होते देखना चाहता हूँ। हम क्लब में आज आग लगा देंगे। ए मैकी, डिस्प्ले शुरू करो, हम बस पहुँच ही गए। तुम ठीक हो ना? उसके साथ अच्छा नहीं किया। जिंदगी ऐसी होती है मार्क, तुम्हें इस तरह बात करनी नहीं चाहिए थी। तो शॉन, तुम्हें इस तरह बात करनी नहीं चाहिए थी। उसने क्या किया? उसे मैं फूल भेज दूंगा। ओके, और फूल से याद आया, मैं पार्टी के बाद एक और पार्टी रख रहा हूँ कापा ईटा सिग्मा में, एशली की बहन के साथ। एशली? वो इंटर? हाँ, मैं जानता हूँ वो कौन है, पर क्या तुम दोनों? एशली और मैं? नहीं। हाँ बस थोड़ा बहुत। क्यों, क्या वो? नहीं, एक्सक्यूज मी बस ऐसे। ओ, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। यही कि तुम अच्छा काम कर रही हो। थैंक्स, सुनकर अच्छा लगा। ये तुम्हारे लिए आया है। मेरे डेस्क पर रख दो। उस पैकेज में क्या है? कुछ नहीं। मैकी। यस सर। फ्रेश। पता है तुम्हें गले लगना पसंद नहीं, लेकिन 10 लाख शैंपेन किसके पास है? लाओ लाओ। ग्रेट। पता है फेसबुक पे अब जल्दी पिक्चर शेयरिंग एप्लीकेशन आएगा, जिसके जरिए आप फेसबुक पर पिक्चर शेयर कर पाएंगे, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। इसे कहते हैं असली डिजिटलाइजेशन ऑफ लाइफ। शर्ट निकालो ना। मैं भी यही सोच रही थी। अब पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं होगी, पार्टी में डिजिटल कैमरा ले जाओ और फेसबुक पर फोटोज डालने से तुम्हारे दोस्त उस पार्टी को एंजॉय कर पाएंगे। I spent hours watching what people do when they log on, how they check their friends' status updates. Wait, that's weird. Why did the music stop? Check to see which one of their friends changed their profiles, changed their photos, and mostly... Seriously, what happened to the music? We lived on farms, and then we lived in cities, and now we're going to live on the internet. Sean, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है. रुक जाओ, अपनी ड्रिंक्स नीचे रखो और घर जाओ। यहाँ पार्टी खत्म हो चुकी है। क्या हुआ ऑफिसर, यहाँ कैसे आना हुआ? क्या हो रहा है यहाँ? म्यूजिक कुछ ज्यादा ही लाउड है क्या? हम सेलिब्रेट कर रहे थे। मिस, आप अपनी शर्ट पहन लीजिए। मैं म्यूजिक कम करवा देता हूँ ना। मेरा नहीं है। देखिए, हम आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं, अपने हाथ ऊपर रखिए ताकि हम देख सकें। ओह माय गॉड, तुम अपने पॉकेट में कुछ और तो नहीं छुपा रहे हो ना? नहीं 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 सर, नहीं। देखो, गलती मत करना। नहीं है सर। ये क्या है? ये एपीपेन है। और ये? ये मेरा इनहेलर है। तुम्हारी उम्र क्या है? 21। मैं भी 21 की हूँ। भला इसी में है, सच बोलो। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हेलो, सुनो, यहाँ गड़बड़ हो गई है। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा था, मुझे एलर्जीज हैं। इंटर्न्स के साथ है। ये सिर्फ एक पार्टी थी। ये खबर फैलेगी शॉन,
किसी भी सेकंड न्यूज ऑनलाइन होगी। जानता हूँ। तुम जानते हो एक इंटर्न के साथ। नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैंने सब संभाल लिया है। नहीं, अब मैं संभालूंगा। मैं किसी को फोन कर रहा हूँ और देखता हूँ अगला मूव क्या होगा, लेकिन ये खबर ऑनलाइन जरूर होगी। तुम्हें क्या लगता है इसमें एडवर्डो का हाथ तो नहीं? बोलो क्या बोलते हो। नहीं, या मैनिंगम, उन दोनों में से किसी ने तो ये किया है, क्योंकि किसी ने जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए ड्रग्स रख दिए और फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। बहुत बुरा हुआ है ना। घर जा शॉन। मार्क, तुम फ्री हो गए हो क्या? हाँ हाँ, मैं बस ऐसे ही बैठा था। शॉन का क्या हुआ? वो आज भी कंपनी के 7% शेयर ओन करता है। तुमने पूरे दिन सिर्फ वो सैलेड खाया है, तुम कुछ खाना चाहोगी? नहीं नहीं खाना चाहती। मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं। मैं जानती हूं, जब भी ऐसा कोई केस होता है तो 85% बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है। और बाकी के 15? झूठ, कसम खाकर भी झूठ बोलते हैं। तो अब क्या होगा? साय और बाकी सब यूनिवर्सिटी एवेन्यू पर डिनर कर रहे हैं, उसके बाद वो ऑफिस आएंगे और सेटलमेंट अग्रीमेंट पर काम करना शुरू करेंगे। हमें सेटल करना होगा? हाँ, और तुम्हें थोड़े एक्स्ट्रा पैसे चुकाने होंगे। क्यों? ताकि ये लोग नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट पर साइन करें। इसके बाद वो तुम्हारे बारे में एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे। मैंने फेसबुक बनाया है। मैं ज्यूरी की बात कर रही हूँ। मैं ज्यूरीज को अच्छे से समझती हूँ। मैं वो देखती हूँ कि एक ज्यूरी डिफेंडेंट में क्या देखते हैं। कपड़े, बाल, बोलने का तरीका, लाइकेबिलिटी। मुझे 20 महीनों तक लॉ प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है और मैं ज्यूरी को भरोसा दिला सकती हूँ कि तुमने एडवर्डो को चिकन वाले एपिसोड में फंसाया। एक और बात, तुम उस रात शॉन की पार्टी में क्यों नहीं गए? तुम्हें लगता है मैंने पुलिस को बुलाया? क्या फर्क पड़ता है, मैंने सिर्फ सवाल पूछा और सब इस पर सोचने लगेंगे। ज्यूरी 10 मिनट में तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। फार्म एनिमल्स। हाँ, मैं नशे में था, बेवकूफ था, गुस्से में था और ब्लॉग कर रहा था। उन्हें पैसे दे दो और देखा जाए तो तुम्हारे लिए ये बात बड़ी नहीं। कल साय तुमसे यही कहेंगे। किसी को एतराज तो नहीं होगा ना अगर मैं यहाँ बैठकर कंप्यूटर यूज करूँ? मैं जानती हूँ तुम क्या करोगे। थैंक्स, मेरी मदद के लिए शुक्रिया। तुम घटिया इंसान नहीं हो मार्क, तुम्हें बस अपनी सोच बदलनी होगी।